ये दिल मेरा खो गया, हुए है सपने साकार हो। ये दिल मेरा खो गया, हुए है सपने साकार हो। कभी कल्पना तू मेरी हुआ लाचार हो। ये दिल मेरा खो गया, हुए है सपने साकार हो। ओ जाने जा, तू है प्रतिमा रूप सी। ओ जाने जा, तू है प्रतिमा रूप सी। तुझ में है जिंदा मेरी कविता, मेरी उर्वशी। दिल का कहना प्रेयसी, ये दिल मेरा खो गया, हुए है सपने साकार हो। सर इसने हमें पूरा लूट लिया सर, हम लोग बर्बाद हो गए, क्या करें सर बताइए। हाँ हाँ, तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो क्या वो यही है? हाँ सर यही है सर। लेकिन सर उसकी हेयर स्टाइल थोड़ी चेंज है सर, उसने आगे कलर किया हुआ था, अगर हम इसके बाल को थोड़ा सा कलर कर देना तो हूबहू वैसा ही दिखेगा सर। इसने हमें धोखा दिया सर, मेरी बहन की जिंदगी इसने खराब कर दी। आप भगवान के लिए, भगवान के लिए सर पकड़ कर सजा दिलवाइए सर। हाँ हाँ, अपना सारा डिटेल यहाँ दे दो सर। अरे माँ जी आप चिंता मत कीजिए, जो भी होगा ना देखिए माँ जी, आपके आश्रम में जिसने आपको धोखा दिया वो यही है ना? नहीं सर, ये वो नहीं हो सकता। ये आप क्या बात कर रही हैं? उसके चेहरे पर तो हरदम भक्ति झलकती थी, उसी चेहरे से तो मैं धोखा खा गई। इनका पूरा स्टेटमेंट ले लो। ए सुनो, तुम्हारी बहन को जिसने धोखा दिया वो यही है ना? एकदम वही आदमी है सर, यही है, एकदम वही है, पकड़ो जल्दी से। भेष में लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनके कीमती गहनों पे हाथ फेरने वाला एक नंबर का शातिर रोमियो, जिसकी तलाश पुलिस को एक साल से थी, वो आज एक एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा। उसके बारे में पूरी जानकारी हम विस्तार से बताते हैं। नो, आई डोंट बिलीव यू, वो ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता। He is a good man. तू क्या कहना चाहती है? केवल सुंदर होने से काम नहीं बनता, दिमाग भी होना चाहिए। तू भी ना, ये देखो क्या लिखा है इसमें। हाँ? ये तो वही है, मैं इसको जानती हूँ। ऑफिसर्स, यस सर, हर आदमी का उसके बारे में अलग अलग विचार है। बी अलर्ट, ही इज वेरी डेंजरस। वो कौन है, कहाँ है, जानना बहुत जरूरी है। सुनो, वो एक नंबर का चीटर है, बच के ना जाना पाए। जितनी पुलिस चौकी है इन्फॉर्म कर दो। ओके ओके सर।
ए, सुनो सर, ऊपर से एक आदमी कूदा था ना, अभी तक मिला क्या? हाँ सर, उसे मैंने देखा, मैंने पकड़ने की कोशिश की लेकिन हाथ ही नहीं आया वो। शांत रहिए, वो कोई मामूली चोर नहीं है। वो कितना बड़ा क्रिमिनल है अब सबको पता चल गया है। वो कोई नॉर्मल दिमाग वाला नहीं है, बहुत चालबाज है, बहुत बड़ा चालबाज। जाने जाना दे 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 मेरा दिल मुझको वापस दे दे, जागू जागू सारी रहना मैं तुझको ताकू दिल का मेरे तू जो दिल में तू है, मन में तू है, तन पे छाया जादू तेरा। टिकट नहीं लिया टिकट ले लो। अबे बस है, तूने टिकट लिया कि नहीं लिया? किसने आया यहाँ पर?
मैं कब से टिकट मांग रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्या है, क्या है, क्या है, कितना कितना बोल रहा है? बकवास 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 बकवास, इस देश में केवल बकवास और बकवास की जाती है। 100 में से 99 लोग तो केवल बकवास करते हैं। तुझे और एक बात मालूम है क्या? यहाँ सारे लोग बस अपने ही मन की बातें करते रहते हैं। 100 में से 99 लोग 4-5 घंटे लगातार बस बकवास करते रहते हैं और बकवास करते करते मर भी जाते हैं। देखा ना तूने, आजकल के लोग बस 50-60 साल की उम्र में ही मर जाते हैं। देखा है ना, तू जानता है ऋषि मुनि लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते थे। क्यों जीते थे पता है? क्योंकि वो जंगल में जाके अकेले बैठकर आंखें बंद करके तपस्या करते थे। और हम लोगों को देखो, हम बस बातों में ही अपनी 80% एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? मैं तो कहता हूँ एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत ही क्या पड़ी है। क्यों ना 100 में से 100% एनर्जी बचाई जाए। हर समय बातें बातें बातें, तो कहां से बचेगी एनर्जी? इसलिए मैं दिन की जगह केवल रात में ही बात करता हूं ताकि अपनी कुछ एनर्जी बचा सकूं। लेकिन तुम लोग वो भी नहीं करने देते हो। अच्छा भला आदमी सोया है तो उसे तुम लोग बात करने के लिए मजबूर करते हो बस, और क्या? चुप कर, बोलता है कम बातें करता हूँ और कब से प्रवचन कर रहा है। तेरी बात सुन सुन कर मेरा दिमाग खराब हो गया है। 4 रुपए का टिकट दिखाने में इतना बड़ा प्रवचन दे दिया। ए, मेरे साथ बात करनी है तो जबान संभाल के बात कर। अरे तेरे जैसे मूर्ख मुझे क्या समझ पाएंगे, ये भी एक कला होती है जानता है। अरे तू साला घंटी का गुलाम, मैं तुझसे क्यों बात कर रहा हूँ? अरे रुक रुक भाग कर रहा है, पूरा प्रवचन खत्म नहीं हुआ। रुक गया तेल लेने। अरे ओ ड्राइवर क्या चला रहा है तू? अरे रोड कहाँ और तू कहाँ? अरे कहाँ जा रहा है? महत्वपूर्ण सूचना। 4 लड़कियों को शादी का झांसा देने वाला रोमियो किंग आज पुलिस के बिछाए हुए जाल में फंसी गया। इस रोमियो का केस आपके कोर्ट में आया हुआ है। प्रोसीडिंग ऑब्जर्व करने के लिए मैं भी आपके कोर्ट में आऊंगी। ऐसे क्या है बेटी, कोई इंटरेस्टिंग केस है क्या? अरे माँ, ये चीटिंग केस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप जज है, मैं लॉ स्टूडेंट, इसलिए और ज्यादा मजा आएगा। और क्या? हे पूजा, इससे पहले कहीं तुम उसे मिली हो? मैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। सच में कहीं नहीं देखा? नहीं नहीं एकदम नहीं। तुम बिल्कुल सच बोल रही हो? माँ क्या बात कर रही हो? अरे नहीं 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 बेटी, फ्रेश होके आ जाओ। ठीक है। नहीं मिली होगी क्या? और वो रोमियो किंग है, शायद नहीं मिली होगी। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। इस वक्त कटघरे में जो गुनहगार खड़ा है पंचमित्रा, ये बड़ी चतुराई से अलग अलग भेष बदलकर कई मासूम लड़कियों से शादी रचा चुका है। और तो और योर ऑनर, प्यार में झांसा देकर उनके पैसे भी लूट लिए। इसके अपराध को साबित करने के लिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे गवाह पेश करने की इजाजत दी जाए। मिस्टर पंचमित्रा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या बताऊँ जज साहिबा, वहाँ फ्रॉड किसी और ने किया और ये लोग मुझे उठा कर लेके आए सबके सामने। आज सुबह मैं घर से निकला तो किसका मुंह देख के निकला था ये कृष्णा जाने। असली मुजरिम को पकड़ने की बजाय ये लोग मुझे पकड़कर कटघरे में खड़ा कर दिया, ये कोई न्याय है? आपकी तरफ से केस लड़ने के लिए आपने कोई वकील रखा है? वकील रखने के लिए पैसा लगता है ना जज साहिबा। कोर्ट अगर आपको वकील प्रदान करे तो इस बात से आपको पूर्ण सहमति है? उसकी जरूरत नहीं है जज साहिबा, कभी कभी तो पैसे लेने वाला भी अपने काम नहीं आता, तो फिर बिना पैसे वाला दिल से कैसे काम कर पाएगा? जज साहिबा आप ही बताइए, जब घाव मुझे लगा है तो चिल्लाऊंगा भी तो मैं ही ना। मेरा ये केस मैं खुद ही लड़ना चाहता हूँ जज साहिबा, सत्यमेव जयते। योर ऑनर, इस केस की आज पहली गवाह है मिसेस रेखा विजय मित्तल।
आपका नाम? रेखा। इनका नाम? विजय मित्तल। मित्तल? छे, मेरा सरनेम है पंच। अरे अरे, पंच मित्रा, समझी ना। अब तक मैं रेखा विजय मित्तल ही थी, लेकिन अब रेखा पंचम रेखा पंच मित्रा बन जाती हूँ, अब ठीक है ना? अरे अपने नाम के आगे तुम मेरा नाम क्यों जोड़ रही हो? शादी के बाद पति का नाम अपने आप पत्नी से जुड़ जाता है। किससे शादी है? आपसे हुई है। किसकी हुई है? मेरी हुई है। अरे मेरी हिम्मत अब तक राखी तक पहुंचने की हुई है, मंगल सूत्र तक अब तक मैं पहुंचा भी नहीं हूँ। वैसे एक बात बताओ, मैं तो तुमसे कभी मिला भी नहीं, फिर मुझे कैसे जानती हो? लेकिन मैं तो मिली हूँ, आपसे प्यार भी हुआ, और फिर हर तरफ आप ही आप थे। कृष्णा कृष्णा, डू यू थिंक आई एम अ फूल? बाय चेंजिंग योर गेटअप यू कांट चीट मी। आई नो यू आर विजय मित्तल, द सेम विजय मित्तल, द स्टाइलिश विजय मित्तल, एंड नॉट पंचा मित्रा। ओ पीपी, अरे क्या इंग्लिश लगा रखा है, हिंदी हिंदी। सबसे पहले आप ये बताइए कि इस व्यक्ति से पहली बार आप कहाँ मिली, ये कोर्ट जानना चाहती है। Hello? Yeah, this is Vijay Mittal. I lost my phone 1 hour ago. Did you got it? What? Phone. You got the phone you are using now. That's mine. The phone. Yeah, I just found it in the parking lot actually. By the way, I'm Rekha. Where are you? I'm at the airport now. And I'm going to fly London now. London? Yeah, I'm flying to London. As soon as written, I will take it from you. So please keep it my phone I with mean you. What? You mind shipping the phone with you? Okay. Oh wow, you're a sweetheart. Thank you very much. Hey honey, did anybody tell you that you have a sexy voice? In London, there is a world's one of the best radio stations. Would you like to be an RJ? London? Yeah, did you like to be an RJ? Okay, it's all right. I will pick you soon. Bye, darling. Take care. Bye. उसकी लंदन की बात और उसकी वॉइस ने मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया। लंदन से आते ही उसने मुझे एक पब में मिलने के लिए बुलाया। Hey you. बोले मैडम। Is the desk shut today? नहीं तो मैडम। Ah, come on man. यहाँ कोई है क्यों नहीं? कैसा रहेगा मैडम? विजय मित्तल ने पूरा हॉल बुक कर लिया है, वो वहाँ बैठे हैं। रेखा? और आपका फोन? थैंक यू स्वीटहार्ट। टू एक्सप्रेस माय स्पेशल थैंक्स, आई हैव बुक्ड द एंटायर हॉल फॉर यू। कम ऑन गर्ल्स, एंजॉय। वुड यू लाइक टू हैव व्हिस्की, ब्रांडी, रम, वोडका? नो, आई डोंट ड्रिंक। ओह, दैट्स ग्रेट, वेरी इंडियन। आप जैसी लड़कियां लंदन में सेटल होकर क्या करती हैं आप जानती हैं? इसलिए वी लव आवर कल्चर एक्चुअली। Excuse me. Hello. Hi. Are you in practice? Yeah. Where is Dravid? Huh? What is this, Sachin? Always doing 92, 93, 94. Come on, yeah. 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 I'll catch you later, okay? Sachin Tendulkar? Yes. I'm a big fan of his. I really, really love him. He's a very close friend of mine. Oh, really? Yes. Any doubt? You want to talk to him? No. It's all right. You have a very, very photogenic face, yeah. Hindi filmon mein kaam karna chahogi? Kya matlab? London se return lot ke samay Shah Rukh se mila tha. Uski film ke liye nayi heroine chahiye. Waise main modeling to karti hi hoon. It's okay. Waise aap yahan Bangalore mein kitne din rahenge? I have to go to Tirupati. Tirupati mein hamara ek sleeping partner hai. Main 3 mahine mein ek baar aakar apna 50 lakhs ka share daan pethi mein dal deta hoon. Excuse me, can I attend this phone? Hello? Hi, Chiranjeevi. कैसे हो यार? हाँ, परसों यहाँ से निकलने वाला हूँ। हाँ, तुम्हारी फिल्म देखी। Hello? बहुत अच्छा response है। हाँ, बहुत बढ़िया। आप कौन? मैं जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर? आप रेखा है ना? या? आप वही है ना, जिसके बारे में विजय 2 दिन से बात कर रहा था?
वैसे वो जल्दी किसी लड़की से बात नहीं करता, पर लगता है आप कुछ खास ही हैं। आपकी खूबसूरती ने उसको डिस्टर्ब कर दिया है। हंसने की बात नहीं है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। लंदन में सब लोग उसकी शादी की बात कर रहे हैं। बस यही बताने के लिए मैं उसको फोन कर रहा था, लेकिन उसका फोन ही बोलती आ रहा है तो इस पे लगाया। कहाँ पे है वो? एक्चुअली वो दूसरे फोन पर बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, आप मुझे मत बताइएगा, मैं खुद से बात करूंगा। ओके ओके बाय। मेगा स्टार चिरंजीवी ने आज लंच पर बुलाया है। Oh, who is that? जॉनी वॉकर, आपका फ्रेंड। क्या कह रहा था? कह रहा था कि आपकी माँ को आपसे अर्जेंटली बात करनी है। 100 करोड़ की जायदाद वाली एक विदेशी लड़की से मेरी माँ मेरी शादी कराना चाहती है। It's all right. Come on, let's dance. मेरा भाई वो आपसे मिलना चाहता है, उसे कल लेकर आऊं? हाय। हाय। हाउ आर यू? आई एम फाइन। ही इज माय ब्रदर चंद्रकांत। हेलो। हेलो रेखा, रात में आपकी बहुत तारीफ कर रही थी सर। इज इट रेखा? आप क्या करते हैं? मेरी यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यू मीन कंस्ट्रक्शंस? जी। एयरपोर्ट के पास मेरी 40 एकड़ लैंड है, वहाँ मुझे एक फार्म हाउस बनाना है, आप बनाएंगे? एयरपोर्ट के पास आपकी जमीन है? या ऑफ कोर्स, जरूर बना देगा। रेखा के पसंद का बनाइए। सर एक बात है सर, आपसे एक बहुत छोटा सा काम था सर। यस टेल मी। सर फ्लाईओवर बनाने के लिए मैंने गवर्नमेंट में एक टेंडर अप्लाई किया हुआ सर, आप उसमें मेरी थोड़ी मदद कर देते तो। मिनिस्टर कौन है? गोविंद अय्या जी हैं सर। गोविंद अय्या? हाँ। उसे तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आज शाम को हम मिल रहे हैं। वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है सर, वो आपसे मिल रहे हैं? पिछले इलेक्शन में मैंने उसकी बहुत हेल्प की थी, पैसे देने पर सारे काम हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी। डोंट वरी ब्रो, ही इज डूइंग। हेलो। हाँ नमस्ते सर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ विजय मित्तल। हाँ कल ही मैं लंदन से इंडिया आया हूँ। या एनीवेज एक छोटे से टेंडर के बारे में आपसे बात करनी है। हाँ या खत्म कर देंगे? व्हाट 25 लाख्स? ओके ओके, मेरे लिए वो 25 लाख्स पर मान गया है। ओके ना? ओके ओके, हाँ कर दीजिए प्लीज। ओके सर। हाँ हाँ मैं कल ही आता हूँ। हाँ ओके, कल डील कर लेंगे। ओके बाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इट्स ऑल राइट, इतनी आसानी से काम हो जाएगा मुझे लगा नहीं था सर। एक और बात थी सर, रेखा को लंदन की लाइफ बहुत पसंद है सर। इज इट रेखा? या। देन व्हाई डोंट यू जॉइन माय लंदन कंपनी? ऐसा है, वो आपकी फैमिली से जुड़ना चाहती है। व्हाट अ सरप्राइज। एक्चुअली मैं तुम्हें प्रपोज करना ही चाहता था। आई एम रियली हैप्पी, बट देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम। क्या है सर? लंदन में और पेरिस में मेरे रिलेटिव्स ने मेरे लिए बहुत सारी वाइट गर्ल्स सिलेक्ट की हैं। मम्मी डैडी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनमें से कौन सी लड़की मेरे लिए सही है। आई कांट से नो, व्हाट टू डू? अगर एक बार शादी हो गई तो फिर कोई क्या कर लेगा? Awesome आइडिया रेखा, बट मैं तो अभी यहाँ सिर्फ 2 दिन ही हूँ, इतनी जल्दी ये मैरिज? आप चिंता मत करिए, अभी यहाँ एक सिंपल सी छोटी सी शादी कर लेते हैं, बाद में लंदन जाएंगे तो एक ग्रैंड रिसेप्शन कर लेंगे। आप क्या बोलते हैं सर? तू बोल। विजय मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज। आई लव यू रेखा। आई लव यू टू। ये शादी कहाँ पर रखें सर? आप बस ब्रीफ केस रेडी रखिए। ओके। हाय हाय हनी। हाय। शादी की खुशी में तुम तो बिल्कुल कोहिनूर हीरे की तरह चमक रही हो। थैंक यू। गुड, आई एम लुकिंग डल नेक्स्ट टू यू। नहीं आप तो जम रहे हो। सच कह रही हो? सर इसमें कैश है। नो नो, फाइल फाइल अंदर है। ओके कम ऑन कम ऑन। चलो। नमस्ते नमस्ते सर, बैठिए बताइए। सर मैंने आपसे कहा था ना, चंद्रकांत जी यही है। आपने जो कहा था हम लाए हैं, फाइल दीजिए। हाँ 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 जी। ब्रीफकेस किसके लिए? फाइल तो हाथ में भी दे सकते हो। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है ना, इसलिए ब्रीफकेस लाना पड़ा। रख दीजिए। सब कुछ सही है, बस आप एक बार देख लीजिए, बैठो ना। सर आप एक नज़र इसे देख लेंगे तो? देखो मिस्टर चंद्रकांत, लोग तो आपकी योजनाओं के बारे में अच्छा ही बोलते हैं, आज आपसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
देखते हैं आपकी फाइल देखकर मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक यू सर, आपका बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, हम आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके, तो हम चलते हैं सर। नमस्ते। नमस्ते। दूसरा कौन है? विजय, पहले मेरे भाई को डाउट था कि आपसे ये काम होगा कि नहीं, आप समझ गया ना? अरे चुप करना। विजय जी, मैं आपसे इतना लेट मिला, इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। इतनी जल्दी बुरा क्यों लग रहा है? अभी तो मैंने कुछ बुरा किया ही नहीं। क्या मतलब? मतलब आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी तुम बस तैयार रहना। लेट्स सेलिब्रेट, आज शाम को होटल में आ जाएं। ओह आई एम सॉरी, वो विजय मालिया का अभी फोन आया था, वो जर्मन के फ्लाइट की डील कर रही है ना, तो मुझे अभी जाना ही पड़ेगा। सो यू गाइस कैरी ऑन। हे, कल हमारी शादी है, भूल मत जाना। डोंट बी सिली गर्ल, डैड के खिलाफ पहली बार मैंने कोई फैसला लिया है। लंदन चलकर तुम खुद ही उन्हें कन्विंस करना। ओके ओके, बाय, सी यू, बाय। बहुत सुंदर लग रही हो। क्या बात है, तुमने तो अपने बहन के ऊपर कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिया है। ए, मेरा होने वाला जीजा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, लंदन में रहता है। उसने जो मुझे टेंडर दिलवाया है उससे मैं करोड़ रुपए कमाने वाला हूँ, समझे? इसलिए बहन की शादी में 40 लाख रुपए खर्चा कर दिए। बोले को जल्दी बुलाओ। नमस्ते। हाय। हे, नो फोटोग्राफ्स। वो क्यों? वो ओल्ड मॉडल है, मेड इन पाकिस्तान। ये है लेटेस्ट डिजिटल कैमरा, 3G इमेज वाला। ये लो, इससे फोटोग्राफ्स ले लो, लंदन जाकर इसकी प्रिंट बनाएंगे। तेरी बातें सुन के पागल हुआ पागल, तेरा साथ पाकर तुझे पास पाकर पागल हुआ पागल हुआ। हैंडसम सा लगता है तू, हाई फाई सा रहता है तू, फॉरेन का प्रिंस तू लागे मुझे। परियों की रानी है तू, दिल की कहानी है तू, बालिया मैंने सब कुछ लागे मुझे। तेरी आंखें देख, तेरी बातें सुन के पागल हुई पागल, तेरा साथ पाकर तुझे पास पाकर पागल हुई पागल हुई। तुझे मेरी रानी, दिल मेरा उड़े जैसे पंछी, तेरे बिना चैन न पाऊं, जाने न क्या कर जाऊं। डॉलर बाउंड है तू, डैशिंग गर्ल है तू, रफ टफ तेरी स्टाइल, सुन सराना अब तू। चाहत सुन ले तू, होने दे जो हो रहा है, तुझ में दिल ये रहे। तेरी आंखें देख, तेरी बातें सुन के पागल हुई पागल, तेरा साथ पाकर तुझे पास पाकर पागल हुई पागल हुई। नहीं, रोमांटिक नेचर है तेरा, मेरा
तूने छेड़ा छेड़ा फील दैट और क्या बोलू सांसों में बसती है तू मुझ में रहती है तू रंगोली बन के है आई मेरी दुनिया है तू ये तूने क्या कह दिया है अब कुछ और कहना नहीं दिल ये मेरा कह रहा है जीना क्या दूर रह के तेरी आंखें देख तेरी बातें सुन के पागल हुई पागल तेरा साथ पाकर तुझे पास पाकर पागल हुआ पागल हुआ विजय भैया भैया क्या हुआ रेखा विजय कहाँ है क्या बात कर रही हो रेखा विजय तुम्हारे कमरे में है वो वहाँ नहीं है ये क्या बात कर रही हो बहन सारे रूम के दरवाजे खुले हुए हैं तुम्हारे गहने तुम्हारे रूम में है ना नहीं भैया रात में उसने जबरदस्ती मुझे एक विस्की का पैक पिला दिया उसको पीने के बाद क्या हुआ सुबह तक कुछ भी पता नहीं चला मुझे बहन उसने रात को मुझे भी जबरदस्ती दूध पिलाया था और उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं लगता है उसने हमें धोखा दिया चलो मंत्री जी से मिलते कैसी बातें कर रहे हो तुम कह रहे हो कि उस ब्रीफ केस में 25 लाख रुपए थे तुम्हें पता है मेरी पार्टी में बस मैं ही हूँ जिसने कभी भी किसी से रिश्वत नहीं ली और इतना बड़ा ब्लेम अच्छा बताओ तुमने ही तो कहा था ना कि इस ब्रीफ केस में डॉक्यूमेंट्स हैं फाइल रखी हुई है सर उस दिन तो मैंने आपसे पूछा भी था इस पेटी में क्या है आपने कहा था इसमें फाइल्स हैं अभी तक तो साहब ने इस ब्रीफ केस को खोला भी नहीं है सर आप वो ब्रीफ केस हमारे सामने खोलिए वो ब्रीफ केस लेकर आओ सर ये तुम्हारा दिया हुआ ब्रीफ केस नहीं है क्या तुम्हारा दिया हुआ ब्रीफ केस वो आकर खुद ही लेकर गया विजय कब आया सर तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद वो आया और ब्रीफ केस बदल कर लेके गया एक्सक्यूज मी सर आपको जो ब्रीफ केस दिया था ना वो आंध्रा प्रोजेक्ट का था ये कर्नाटक प्रोजेक्ट का है तो सेम पिटी होने की वजह से कंफ्यूजन हो गया आई एम सो सॉरी सर ओके इनको दे दो ठीक है सर थैंक यू सर चलता हूँ क्या सर आप भी उससे धोखा खा गए सर धोखा मैंने नहीं खाया है तुमने खाया है लेकर आओ जी ये ब्रीफ केस यहाँ खोलो जी हमारी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल गई दिस मैन he's a big cheater we lost okay, everything cool down वो सब कुछ ठीक है इनका एक दोस्त है जॉनी वॉकर पता है ना वो आया था कि आपसे मिलने के लिए No, he just called us. मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ आप बुरा मत मानना बहन जी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तुम मेरे पति हो है? उसने तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया है और तुम हो कि उल्टा मुझे ही फंसा रही हो मैं यहाँ इंडिया की इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पाता तो लंदन की इंग्लिश क्या खाक बोलूंगा कॉलेज में मैंने इंग्लिश में लॉ इन आर्ट्स लिया लेकिन फिर भी मैंने कभी लॉ की क्लास नहीं देखी तो लंदन कहाँ से देखूंगा अच्छा ठीक है चलो तुम मुझे एक बात बताओ अलग अलग देशों में कोको कोला तो बस एक ही बिकता है अब उसमें अगर किसी ने कोको कोला की बोतल में बेहोशी की दवा डाल के किसी ने पिला दी और खेल कर दिया तो उस देश का कोको कोला बाकी देशों से अलग हो जाएगा इतना दिमाग नहीं चलता बुद्धि नहीं है क्या अच्छा एक बात बताओ अचानक कोई लड़का बिना लड़की देखे शादी के लिए खड़ा हो सकता है क्या तुम्ही ने तो कहा था कि टाइम नहीं है और तुम्हें जल्दी से लंदन जाना है इसलिए जल्दी जल्दी में शादी फिक्स की थी काहे की शादी कोई मंडप बना था शादी का इन्विटेशन कार्ड छपा था हॉल बुक हुआ था क्या नहीं ओए पिपी पॉइंट टू बी नोटेड अच्छे से शादी में फोटो तो खींचा ही होगा ना नहीं तुमने कहा था कि इससे फोटो मत खींचो तुम अपने कैमरे से खींचोगे मैंने नहीं कहा था विजय ने कहा था अच्छा ये बताओ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया था क्या तुम दोनों ने नहीं अभी शादी कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन बाद में होगा विजय ने कहा था हाँ जज साहिबा देख लिया वो मैं नहीं विजय है ये खुद रेखा जी मान रही है तुम ही हो विजय तुम मुझे कंफ्यूज नहीं कर सकते कंफ्यूज मैं नहीं कर रहा हूँ उल्टा कंफ्यूज तुम खुद ही हो रही हो छोटे छोटे कपड़े पहनकर बार बार तुम मुझे देखो टीवी पर ऐसा कहती हो कि नहीं कहती हो शट अप मॉडलिंग इज माय हॉबी पता है तुम मॉडलिंग करती हो टीवी पर देखा है मैंने तुम जानती हो लड़कियों को कैसे रहना चाहिए हाथों में कंगन पहनना चाहिए
कानों में बाली होनी चाहिए, पैरों में पायल होनी चाहिए, लेकिन ये सब छोड़कर तुम इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हो और मुझे देखो कहकर बिकनी का ऐड करती फिरती रहती हो, तो तुमको देखकर कोई खिलाड़ी चुप रह सकता है क्या? कभी नहीं। तुम क्या सोचती हो, तुम बहुत फास्ट हो क्या? फास्ट कितनी फास्ट हो तुम? इस देश में कुछ फास्ट नहीं है, ट्रैफिक फास्ट नहीं है, रोड जाम है जाम, टेक्नोलॉजी फास्ट नहीं है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, सिर्फ पॉपुलेशन फास्ट है। मैं सही कह रहा हूँ जैसा? आपको क्या लगता है? अच्छा चलो वो सब छोड़िए। 25 लाख रुपया रिश्वत देने के लिए तुम्हारा भाई तैयार हो गया था, इस बात को तुम मानती हो ना? रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों जुर्म है, और अगर ये सच है तो इसके भाई ने गलत काम किया है। इसका मतलब इसके भाई को हवालात के अंदर डाल देना चाहिए। साइलेंस। मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझ बेचारे को बख्श दीजिए ना बहन जी। बहन जी? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं वो नहीं हूँ। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, एक मिनट रुको, मैं कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहे क्या? आपने मुझे किस नाम से बुलाया? जाकिर हुसैन के नाम से बुलाया। मेरा नाम पंचमित्रा है, अगर आप पंचमित्रा कह के बुलाती तो मैं रुक जाता। वैसे आप कौन हो? ए, तू इनको नहीं जानता क्या? जय साहिबा की बेटी है। सुपर एक्टिंग कर रहे हो? हाँ हाँ, उसने एक्टिंग सच में बहुत अच्छी की। मैं आपकी एक्टिंग की बात कर रही हूँ। अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, गुड, कीप इट अप। लेकिन मैं जानती हूँ आप जाकिर हुसैन हो, पंचमित्रा नहीं हो। मैं जानती हूँ जाकिर हुसैन हो आप। ये कैसी लड़की है जज साहिबा की यार, इसका स्क्रू थोड़ा ढीला है क्या? या तो ये खुद पागल हो जाएगी या मुझे पागल कर देगी, समझा ना? भाई एक काम आया है, ये इसकी फोटो है, अब देख ले, ये बचना नहीं चाहिए। हो जाएगा भाई, काम तो से हो जाएगा ना। हाँ हाँ, एक बार एडवांस मिल गया ना तो उसका काम कर दूंगा। डन।
सर विजय मित्तल का उस ब्रीफ केस पर से कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला सर। ये अपना बेड लक है सर, मिल जाता तो पंच मित्रा से मैच कर सकते थे सर। कैसे कैसे मैच नहीं कर रहा है सर? मुझे लगता है उसने हैंड ग्लव्स पहन के ये काम किया होगा। सर एक और पॉसिबिलिटी है सर। वो क्या है? उसी से पूछ ले तो शायद कुछ पता चल जाए। जरा सामने आ। टोपी निकाल दे, राजीनामा दे दे, घर बैठ जा, चल भाग। सॉरी सर। ए पंच मित्रा, क्या हुआ? अरे दिन में ही सो रहा है क्या? सो नहीं रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। तो उससे मिलने कोई लड़की आई है। लड़की आई है? हाँ। कृष्णा कृष्णा, अब ये नई लड़की कौन है? मुझे देख के कुछ याद आया? मैंने तुम्हें भी धोखा दिया ऐसा तो नहीं सोच रही हो ना? हाँ। छी 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 छी। आपने शादी करके मुझे धोखा नहीं दिया बल्कि मेरे दिल को चुरा के धोखा दिया है जाकिर। जहांगीर, ये कैसा नाम है? ये तो किसी जलेबी के दुकान का नाम लगता है मुझे। I like your intelligence, जाकिर। सुनिए सुनिए, आप हिंदी में बात करोगी तभी मुझे समझ में आएगा, ये इंग्लिश विंग्लिश अपने समझ के बाहर की बात है। अच्छा आपको ये तो याद होगा ना? ये सब क्या है? इस फ्रेम को क्यों लाई हो? कांच टूट गया है क्या? इसके बारे में आप सब जानते हो। कृष्णा कृष्णा, मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, मान लिया कि आप पंच मित्रा हो और मैं भरोसा भी करती हूँ आप पे, ठीक है? आपके भरोसा करने से क्या फायदा? असली भरोसा तो आपकी माँ को होना चाहिए, तब मुझे फायदा होगा। You're too smart. देखिए आप फिर से अंग्रेजी बोलने लग गई हैं। मैं सच कहता हूँ, मैं वो नहीं हूँ। नमस्कार। यहाँ चलो। कहाँ लेके चली है? अरे आओ ना, तुम लोगों को तो कुछ भी बोलो सारी जगहें बोर ही लगती हैं। पहले बता देना चाहिए ना। वाओ, अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी है ना। इस पेंटिंग बनाने वाले के हाथ को चुम्मा लेने का मन कर रहा है। चुम्मा लेने की जरूरत नहीं है मैडम, इसे बनाने वाला मैं ही हूँ। आपका नाम? हुसैन, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, फर्स्ट टाइम आपसे मिल रही हूँ। आपकी सारी पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत हैं। आप भी एक पेंटिंग की तरह ही लग रही हैं। मैं आपको देखकर मुझे एक कविता याद आ रही है। प्लीज सुनाइए। वो जो देखते हैं हमारी पेंटिंग को, उन्हें खुद ये नहीं पता कि ये उन्हीं के प्यार का अक्स है। अच्छी है ना? हाँ? आपको देखकर मैं अचानक ही कवि बन गया। आपकी लेटेस्ट पेंटिंग कौन सी है? वो है जो आपकी फ्रेंड देख रही है। एक सुंदर लड़की की इनर फीलिंग्स को पेंट करना चाह रहा था। इस दुनिया की ग्रेटेस्ट फीलिंग क्या है जानती हो? लव फीलिंग्स। माँ बाप गुरु कहीं से भी ऐसी फीलिंग्स आए और पेंटिंग में समा जाए तो वो प्यार एक खास प्यार बन जाता है। जो मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ ये बहुत खास है। आपकी बोलने का अंदाज, आपकी पेंटिंग्स, आपका सब कुछ आता है, करेक्ट ना? हाँ, कुछ कुछ आता है। इस पेंटिंग की प्राइस कितनी है? 1,15,000 ओनली। बहुत ज्यादा है ऐसा सोच रही हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं दे सकती हूँ। नहीं नहीं, आप अपना एड्रेस मुझे दे दीजिए, मैं खुद ही पहुँचा दूंगा। आप मेरे घर पर? Why not? Oh my God, I can't believe this. My address. ए पूजा, जाकिर हुसैन तुझसे मिलने आया है। जाकिर हुसैन? हाँ। जाकिर हुसैन, नमस्ते। ओह, निशा, मेरे रूम में बैग है, लेके आना प्लीज। हेलो। हाँ फरमाइए ना। हाँ 11 बजे की फ्लाइट से पहुंच जाऊंगा। जी जरूर आऊंगा। मुझे अर्जेंटली मुंबई जाना होगा, वहाँ आप जैसा ही एक फैन है, सारे फैंस का ख्याल रखना पड़ता है। मैं जब खुद पेंटिंग लेकर जाता हूँ तभी वो बेचारे खुश होते हैं, फ्लाइट टिकट भी बुक कर दी है, कितना प्यार करते हैं मुझसे। ये लीजिए। ये क्या है? सोन पापड़ी। मैं नॉर्थ इंडियन हूँ ना, अगर साउथ इंडियन होता तो आपको हलवा खिलाता। थैंक यू। ये लीजिए पेंटिंग, इसे यहाँ कहाँ टांगेंगी? यहाँ नहीं, बैंगलोर में अपने घर पे। ओह। हाँ। ये लीजिए, अभी कैश ही है मेरे पास, चेक नहीं मिल पाएगा। ची 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 ची। देखिए ये वो पेंटिंग नहीं है जिसका पैसों से सौदा हो जाए, ये तो वो पेंटिंग है जिसके बदले एक कॉफी हो जाए। क्या आप कॉफी पियेंगे? पूजा, मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप नाराज नहीं होंगी ना? अगर नाराज हो जाओगी तो भी मैं सह लूंगा, क्योंकि हार के बाद ही जीत है, दुख के बाद ही सुख है, प्यार में यही सब होता है। पूजा, मैं सिर्फ एक ही कॉफी नहीं,
लाइफ लॉन्ग जीवन भर तुम्हारे हाथों की कॉफी पीना चाहता हूँ। आई लव यू पूजा। तुम जितना चाहे समय ले लो सोचने के लिए, मुंबई से आने के बाद हम बाकी बातें कर लेंगे। बाय पूजा। ये दिल मेरा खो गया, हुए है सपने साकार हो। ये दिल मेरा खो गया, हुए है सपने साकार हो। कभी कल्पना तू मेरी हुआ लाचार हो। ये दिल मेरा खो गया, हुए है सपने साकार हो। ओ जाने जा, तू है प्रतिमा रूप सी। ओ जाने जा, तू है प्रतिमा रूप सी। तुझ में है जिंदा मेरी कविता, मेरी उर्वशी। गुल ये कहे मुझसे ज्यादा कोमल है, गुल ये कहे मुझसे ज्यादा कोमल है। कवि कालिदास कवि रानी शाकुंतले जाकिर हुसैन। हाँ मैं ही हूँ। आप हैं? तो हुसैन वो कौन था? अच्छा वो भी जाकिर हुसैन ही है।
और उसको थोड़ा ज्यादा घमंड है। वो जब भी किसी को पेंटिंग्स दिखाता था तो हरदम यही कहता था कि ये मेरी ही बनाई हुई पेंटिंग है। वो भूल जाता था कि उसका गुरु कौन है। पर तुम्हें उससे क्या काम है? उसने कुछ किया तो नहीं? नहीं नहीं, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं अपने आप को इतना चालबाज समझती थी, वो तो मेरा ही गुरु। क्या मैडम, आज बहुत गहरी सोच में पड़ी हो तुम। अच्छा पूजा, तुमसे 1,25,000 का फ्रॉड करने वाला वो शख्स कहीं पंचमित्र तो नहीं है? मुझे नहीं माँ, मुझे धोखा देने वाला जाकिर हुसैन है। मैं वही पूछ रही हूँ, कहीं वो जाकिर हुसैन ही ये पंचमित्र तो नहीं? माँ, वो नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हो सकता। ये वो नहीं है और वो कभी। ओह माय गॉड, आई डोंट नो। वो सब ठीक है बेटी, कोर्ट में वो मेरा सर खा रहा है, यहाँ पे तुम मेरा सर खा रही है, दिस इज नॉट गुड। वो आपका सर खा रहा है? माँ, ही इज अ जीनियस। शट अप पूजा, जस्ट शट अप। माँ, आई एम टेलिंग यू, ही इज अ जीनियस। शट अप माय डियर, ही इज नॉट अ जीनियस, ही इज अ कल्प्रिट, ही इज अ कॉन मैन। नो ही इज नॉट। माँ, आपके जजमेंट को टाइम है। तुम क्यों इतना उसको सपोर्ट कर रही हो? तुम उसकी वकील हो क्या? नो, आई एम हिज फैन। वेरी बैड चॉइस। माँ, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। माँ, नाराज मत हो, लिसन टू मी। बोलो। आपकी और मेरी एक डील है। ये केस चलने तक मैं आपके साथ ही रहूंगी। अगर आपका जजमेंट मेरे जजमेंट से मैच हुआ तो मैं दुनिया की सबसे दिमाग वाली हो जाऊंगी, ठीक है ना? उसके बाद मार्केट में मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। जाओ। आजा इधर तो आजा। क्या बात है, आज बहुत गाना गा रहे हो। कहीं तुम्हें कोई गांव वाली लड़की मिल गई है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। आज की जो गवाह है उसके बारे में तुम जानती हो क्या? मेरा नाम शांति है, लोग मुझे घर वाली शांति बुलाते हैं। तुम्हारे पति का नाम? रेड्डी सिंह है। रेड्डी सिंह, ओके। ये रेड्डी सिंह यही है ना? जरा उधर देखिए। शांति जी। साइलेंस साइलेंस, क्वाइट प्लीज। योर ऑनर, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाइए और ट्रीटमेंट करवा के लाइए। वो शांति आज अचानक बेहोश क्यों हो गई? मैं कैसे बता सकता हूँ? अच्छा छोड़ो, उनको मिलके 1 साल हो गया, अगर बेहोशी का कारण वो प्रेग्नेंट हुई तो क्या होगा? केस क्लोज हो जाएगा, डीएनए टेस्ट के अंदर सब कुछ प्रूव हो जाएगा और केस क्लोज हो जाएगा। हे परमात्मा। ए चाचा, किसके बारे में बोल रहे हो? आपको पता भी है ये 1 नंबर का फ्रॉड है? ना 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 ना, उसके मुख को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है भाई। चेहरे में क्या जा रहे हो, दिल का काला है एकदम। इसने 4-4 लड़कियों को धोखा दिया है, चारों से शादी की है। तुम देख रहे हो भाई, मैं 2 शादी करके भी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, और वो एक साथ में 4-4 शादी करके बढ़िया से मेंटेन कर रहा है। उसको तो मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। तू भी कर प्रणाम। मिस्टर पीपीआर। यस योर ऑनर। इनकी तबीयत अब ठीक है क्या? हाँ मैडम, इसे देख कर वो चकमा खा गई थी। नाउ शी इज ओके। आई सी, देन यू मे प्रोसीड। थैंक यू। मिसेस शांति जी, आपने जिससे शादी की क्या ये वही है? हाँ जी, ये वही है। इनसे आपका परिचय कैसे हुआ? कुछ दिनों पहले मैं अपनी सहेलियों और होने वाले पति के साथ तिरुपति जा रही थी। स्टॉप। क्या हो गया? यहाँ आसपास के पहाड़ को बम लगा के उड़ा रहे हैं, आधा घंटा लग सकता है। ओके, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। ओके, गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा। चलो उतरो। ए, वहाँ देखो कितना सुंदर सूरजमुखी का फूल है। तुमने पुष्पक पिक्चर देखी है ना? उसमें कमला हसन अमला के लिए बिल्डिंग से कूद के क्या स्टाइल से फूल लेकर आता है। तुम भी मेरे लिए उसी तरह वहाँ जाकर फूल लेकर आओगे क्या? जब देखो फिल्म। दिमाग है कि नहीं तेरे पास? अगर मैं वहाँ फूल तोड़ने गया तो मैं जिंदा नहीं आऊंगा, मेरी बॉडी के चिथड़े उड़ जाएंगे। दिमाग है कि नहीं तेरे पास? डेड बॉडी आएगी पागल। फूल ला के दो। ये तो खुद ही एक डेड बॉडी है, लिविंग डेड बॉडी। क्या यार, मैंने भी क्या क्या सपने देखे थे। जिस किसी से भी मेरी शादी होगी वो बॉम ब्लास्ट के बीच में सुपरस्टार ऋतिक रोशन की तरह हाई स्पीड में मेरे पास दौड़ते हुए। आ? 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 आ?
चलो चलो चलो, बहुत टाइम पास हो गया, चलो बैठो गाड़ी में। ए, तेरा दिमाग खराब है क्या? पूरा रोड खाली है, चल निकल यहाँ से। जोकर है, जोकर कहीं का। ए, उसको देखो, धूम के जैसा स्टंट कर रहा है। ए, देखो ना। नहीं, तुमने देखा था ना, कितनी जबरदस्त बाइक चला रहा था वो। ए, ये देखो, क्रिश का है ना। वो यही कहीं होगा। किधर गया? ये वो देख, वहाँ पे है। तुम वही हो ना, कल वाले बॉम के बीच में रनिंग तुम ही हो ना, बाइक पर स्टंट तुम ही हो ना, बाद में मुझे फ्लावर दिए तुम ही हो ना। तुम क्रिश हो क्या? नहीं, कुश। कुश? ए, कुश, कुश, एक्सक्यूज मी, ये मास्क। यू वांट टू आस्क? लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। मुझे हो गया है इश्क। कितना प्यारा है। जीजा जी, शांति की शादी के लिए कुछ खरीदारी करने चलें क्या? ओके। मेरे सर में दर्द है भैया, मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग जाओ। ओके, चलो चलते हैं बहन, आओ चले। धूम। ऋतिक रोशन, तुम यहाँ रहोगे तो लफड़ा हो जाएगा, तुम यहाँ आए ही क्यों? प्यार करने वाले किसी से नहीं डरते। मैं तुम्हें बार बार फोन करता रहूंगा, इस फोन पर। वैसे भी मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाओ। मैं जीत गया? हाँ जीत गए। बाय। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर? हाँ जी, मैं समर सिंह रेड्डी का दोस्त हूँ। वो कहाँ है? समर सिंह रेड्डी का दोस्त? ये कुश का फोन है। आप समझ नहीं रही हैं, वो खुशी समर सिंह रेड्डी है। वो ऐसा वैसा नहीं है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। छोड़ूंगा नहीं। वो कलयुग में पैदा हुआ बहुत बड़ा महापुरुष है। जय। ये
ये लीजिए लीजिए। वो बहुत बड़ा आदमी है जी। ए! क्या सर झुकाकर तुम लोग खड़े हो? सर ऊंचा करो। जब तक मेरा शत्रु जिंदा है मैं एक निवाला नहीं खा सकता। ए! उस समर सिंह रेड्डी के टुकड़े टुकड़े करके मेरे पैसे की तिजोरी में लाकर रख दो। जितना आदमी चाहिए लेकर जाओ, उसको मौत के घाट उतार दो। अकेले ही उसने सबको मार दिया। चिल्ला मत, वरना मैं माँ की कसम खाता हूँ तेरे बदन को चीर कर रख दूंगा। समर सिंह रेड्डी, तुझे मार कर तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरे टुकड़ों को अगर गांव में नहीं बांटा तो मैंने भी अपनी माँ का दूध नहीं पिया। आजा। तेरी माँ ने अब तक तुझे जितना दूध पिलाया है और तेरे बाप ने तुझे आज तक जितना घी खिलाया है, आज उसकी ताकत तू मुझे मार के दिखा। और अगर सच में तू मर्द है और तेरी मूंछों में दम है तो आजा आजा, मार मुझे, मार के दिखा। आना कितने दिन कुर्सी पर बैठा रहेगा, चल खड़ा हो जा। आज मुझे तेरी मूंछें काटनी है, चला आजा, मारो उसको। बहुत देर तक जबरदस्त लड़ाई चली। उसके सामने कोई टिकी नहीं पाया। आना। ए, अभी तक तूने कुत्ते और बिल्लियों से लड़ाई की है, देख मैं शेर हूँ, मुझसे लड़। आजा। तुझे मारने के लिए मुझे हथियार की जरूरत नहीं है, इन हाथों की भी जरूरत नहीं है, इन टांगों की भी जरूरत नहीं है, तुझे तो मैं अपनी आँखों से ही मारूंगा। पूरी हिस्ट्री है, मैंने फोन किया उसको बताना मत। तुम मुझसे झूठ कब तक बोलते रहोगे? झूठ बोला और मैंने? आप असल में क्या हो मुझे सब कुछ पता चल चुका है। क्या पता चल गया? तुम ही समर सिंह रेड्डी हो ना? तुम रॉयल फैमिली से हो ना? अपना घर बार छोड़ के यहाँ आए हो? जॉनी वॉकर ने फोन किया था क्या? उसने बताया तुमने अपने सारे दुश्मनों को मार कर अपनी सारी प्रॉपर्टी गरीबों को दान करके अच्छा काम किया और फिर गेटअप चेंज करके यहाँ हमारे गाँव में चले आए हो। हाँ वो गाँव मेरे लिए सब कुछ है, वहाँ पर शांति बनी रहे इसलिए मैंने अपने 10,000 acres जमीन, बंगलोज, गोल्ड, यहाँ तक स्टीमर भी छोड़ दिया। इस सिम्मा रेड्डी की वजह से वहाँ पर बहुत रक्तपात मचा था, इसलिए मैं यहाँ शांति के साथ जीने आया हूँ। मेरे साथ में? हाँ शांति, यही समझो। मुझे भी आप जैसा शेर पसंद है, उस डरपोक से मैं शादी नहीं करूँगी। आप आज मुझे भगा ले चलो। बस अंदर लग रही है। ओम शुक्लम वर्धनम विष्णुम वर्धनम श्री हरि श्री गणेशाय नमः ओम नमः शिवाय। हेलो, कहाँ पर हो तुम? मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अगर तुम्हारी रूम में कोई है तो उसे बाहर भेज दो। ओके ओके। आज तो तुम नागार्जुन की ड्रेस में आए हो। ये सब सुनने के लिए। अगर तुम थोड़ा भी लेट हो गए होते ना आज मेरी शादी हो गई होती। अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अरे वो सब बाद में। मैं कुछ बताऊँ क्या? तुम एक काम करो, ये ड्रेस पहन लो और वो सारा सोना ना, अरे सुनो तो, वो सारा सोना इसमें डाल दो। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो
जल्दी करो, ऐसा लग रहा है माधवन करीना को लेके जा रहा है। अरे नागार्जुन बोल पगली। क्या बकवास स्टोरी है ये, तो ऐसा लगता है किसी हिंदी फिल्म के डायरेक्टर ने साउथ की फिल्म देख के उसकी कॉपी करके ये फिल्म बना दी हो, है ना? जज साहिबा, हम नॉर्थ इंडियन हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, हिंदी फिल्मों से ज्यादा हम बाकी भाषाओं की फिल्में भी देखते हैं। वैसे इस लड़की की कहानी सुनने के बाद लगता है कि साउथ और हिंदी दोनों फिल्मों को मिलाकर बनाई हुई कहानी है ये। बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त जो आदमी दौड़कर आ गया उससे इसे प्यार हो गया, बाइक पर सवार होकर जंपिंग देखने से प्यार हो गया, लेकिन नीचे आता तो प्यार खत्म हो जाता। जिंदगी अलग है, सिनेमा अलग है। जिंदगी को सिनेमा की तरह बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, वरना जिंदगी में लेने के देने पड़ सकते हैं। और लगता है तुमने सिनेमा बहुत ज्यादा देखे। तुम्हारी जिंदगी का खलनायक कोई और नहीं बल्कि फिल्में ही हैं। खलनायक तुम्हारी फिल्म नहीं है, संजय दत्त की फिल्म है, सुभाष घई ने बनाई है, तुमको कुछ भी पता नहीं है। कृष्णा कृष्णा पांडुरंगा, इतना होने के बाद भी फिल्मों का भूत हटा नहीं तुम्हारे सर से। बात बात पे आप कृष्णा कृष्णा क्यों कहते हो, क्या राज है? अरे वो पंढरपुर के पांडुरंग का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, श्री कृष्ण भी तो उन्हीं के अवतार हैं। पहली बार सच बोला। तुमने मेरे इमोशन से खेला, बताओ तुम मेरे पति, बताओ सबको कि तुम मेरे पति हो, तुम मेरे पति हो, बता दो सबको, बता दो सबको, बोलो बोलो ना, क्या कर रही है? हटाइए ये राणा, लगता है इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, हटाइए हॉस्पिटल में छोड़ो मुझे, ले जाने की इजाजत दीजिए, पूछो इनसे, ये मेरे पति है, छोड़ो मुझे, चलो ये मेरे पति है, चलो चलिए बाद में। ओके योर ऑनर, एक्यूज से पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी के लिए परमिशन चाहिए। कितने दिन के लिए कस्टडी चाहिए? नार्को एनालिसिस एंड ब्रेन मैपिंग मेथड से हम इसका टेस्ट करना चाहते हैं मैडम। ओनली 3 डेज ग्रांटेड, इज ओके? थैंक यू मैडम। क्या दिमाग खराब हो गया? चलिए साइड हटिए। हेलो डॉक्टर, यह है एक्यूज। सर आई सी, देखिए मुझे सुई से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए मुझे सुई मत लगाइए प्लीज। तुझे सुई से डर लगता है ये बात हम जानते हैं। हाँ सर, सुई से, आप बहुत समझदार हैं। मेरा दिमाग मत खराब करना। डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाना लगाओ, टेस्ट करो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप इनको ले चलिए। हाँ, क्या मच्छी मार्केट में आ रखे हो, चलो जाओ, कोई इंटरव्यू नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी, क्या है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अंदर जाने के लिए आप परमिशन देंगे क्या? मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे इस केस में थोड़ा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट केस में है या इसमें है? ओके ओके, थैंक यू सर। पंचमित्रा, आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब देना, सुन रहे हो ना? पूछिए। तुम मुझे सुन सकते हो ना? विजय मित्तल और समर सिंह रेड्डी, ये कोई और नहीं, दोनों तुम ही हो ना? सर पकड़ा गया। बेवकूफ घुसट, तू कुछ भी पूछ रहा है ये हूँ कर रहा है, मैं पूछता हूँ देखता हूँ क्या बोलता है। भैया पंचमित्रा, क्या तुमने कोई गुनाह किया है क्या? कौन सा गुनाह किया है तुमने? भगवान ने तुम्हें हलवा खाने के लिए मुंह दिया है? देखा ना तूने, ये तुझको मुझको दोनों को बेवकूफ बना रहा है, घोचू कहीं का। मैं वो नहीं हूँ, वो कोई और है, मैं वो नहीं हूँ। तेज बोलो, कम ऑन, और तेज, कम ऑन। बोलो, तेज बोलो। Stop it! Just missed. Sir, please, sir. नहीं, sir, नहीं, please. आप जा नहीं सकते, मुझे जाने दीजिए सर, मेरा मिलना बहुत जरूरी है। आप अंदर,
आप समझ नहीं रहे हैं सर, मुझे जाने दीजिए। अरे बहुत जरूरी बात है सर, नहीं जा सकते। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ वापस सर। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा सर, मुझे जाने दीजिए। नहीं जा सकते। मैं सुनो कड़प्पा, जाओ उसे मेरे पास। जोसेफ, जोसेफ, तू ठीक है ना भाई? कौन हो भाई तुम? ये तू कैसी बातें कर रहा है भाई? मैं तेरा बड़ा भाई। मेरा भाई? हाँ। कृष्णा कृष्णा, ये सब क्या हो रहा है? क्यों मेरी अग्नि परीक्षा ले रहे हो? मेरा कोई भाई भाई नहीं है, समझ में नहीं आता। तूने अपना भेष क्या बदल लिया? अपने भाई को भी पहचान नहीं पा रहा? मेरे साथ ये नाटक मत कर। क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने कहा ना, मेरा कोई भाई भाई नहीं है, दूर हटो मुझसे, जाओ। सारे प्रॉब्लम मुझसे ही चिपके रहते हैं, पता नहीं क्यों। सर सर, मैं जानता हूँ ये नाटक कर रहा है सर, ये मेरा भाई है सर, छोटा भाई। अखबार के जरिए मुझे पता चला तो मैं इसे मिलने के लिए यहाँ पर चला आया सर। ये कोई विजय मित्तल या समर सिंह रेड्डी नहीं है सर। जानता हूँ, पंचमित्रा, पंच। अरे सर, कोई पंचमित्रा या छठवा मित्रा नहीं है सर, वो तो जोसेफ फर्नांडिस है। जोसेफ फर्नांडिस है। बैठ जाइए। वो आपका भाई है, आप दोनों का एक साथ में कोई फोटो है क्या? नहीं है सर। नहीं है? ओके, तो फिर स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ तो होगा आपके पास। वो भी नहीं है सर, वो सब उसने अपने हाथों से एक दिन चला दिया सर। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो किसी तरीके का प्लान बना रहा है सर। फिर कोई कैसे भरोसा करेगा? अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने भाई की कोई ऐसी हरकत बताओ जो वो हमेशा करता हो। हाँ सर। क्या है वो? उसके सर पर कोई मारे तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गाली देने लगता है, एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाता। सर पे मारने पे तो कोई भी गाली देगा, कोई और बात बताओ। देगा ना सर, लेकिन कोई शरीफ आदमी नहीं देगा। ये तो शरीफ आदमी है ना। क्यों मार रहे हो मुझे? अरे भाई, तुम्हें मेरे बाल पसंद नहीं है तो मांग लो, मैं उखाड़ के दे दूंगा। लाओ, तुम्हारा हाथ खराब हो गया होगा, मैं साफ कर देता हूँ। जब चाहिए होंगे तो पहले बोल देना, मैं काट के दे दूंगा। हाँ, फिर से बच गया, बहुत बड़ा खिलाड़ी है वो। मिस्टर पीपीआर, देन यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। शांति जी, आप समर सिंह रेड्डी के साथ शादी के मंडप से कहाँ गई थी? राजमंदिर में इनका घर है, वहाँ ले जाने के लिए बोला था इन्होंने। मतलब आप लोग राजमंदिर नहीं गए थे क्या? गए थे, लेकिन इनके घर पर नहीं गए थे, कहीं और गए थे। तो फिर आप लोग कहाँ गए थे? तुम भी अकेले, हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से। ये कितना सुंदर है। हाँ। कसम से कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है। कयामत से कयामत तक में आमिर खान, जूही चावला हमारी तरह घर से भागकर अपना संसार बसाते हैं ना। ये शेर शहर हो या जंगल हो, कहीं पर भी रह सकता है। अपनी शांति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऊपर होगा हमारा बेडरूम और ये किचन कम बाथरूम, क्या कहती हो? आई हेट दैट बंगलो। यही मेरा पैलेस है और तुम मेरे राजा और मैं तुम्हारी रानी। हम शादी कब करेंगे? अभी करेंगे, इसी वक्त करेंगे। इस अग्नि को साक्षी मानकर हम अभी शादी करेंगे। क्या बात है।
दिल के मेरे राजा। सुन मेरी रानी, सुन मेरी रानी, दिल की मेरी रानी। सपनों की मूरत है तू, परियों से सुंदर है तू, दिल मेरा माने ना अब आजा। आजा जा जा जा, आजा जा जा जा, दिल की मेरे राजा। सुन मेरी रानी, सुन मेरी रानी, दिल की मेरी रानी। तेरी मेरी प्रेम कहानी कुछ कुछ हो गया। सिनेमास्कोप दिल वाला मेरा तो बिया, 100% टच पे मेरा प्यारी ये पिया। क्लाइमेक्स छोड़ मुझको, कहाँ तू चली। आजा जा जा जा, आजा जा जा जा, दिल के मेरे राजा। सुन मेरी रानी, सुन मेरी रानी, दिल की मेरी रानी। मजा मजा अप्पू राजा, दिल ये मेरा माने आ, मैं हूँ तेरी फैन और तू मेरा सुपरस्टार। तू ही दिल में बसती, तू ही जिंदगी मेरी, फिल्म वाला हीरो नहीं हूँ, रियल स्टार हूँ। हाँ 100 days सुपर हिट ये लव स्टोरी। स्टोरी स्क्रीन प्ले डायरेक्शन तेरा ही है। आजा जा जा जा, आजा जा जा जा, दिल की मेरे राजा। सुन मेरी रानी, सुन मेरी रानी, दिल की मेरी रानी। कंगना पुकारे आजा, नगमा पुकारे आजा, प्यार बरसाना चाहे आजा। आजा जा जा जा, आजा दिल की मेरे राजा। सुन मेरी रानी, सुन मेरी रानी, दिल की मेरी रानी। शांति, तुम क्या कर रही हो? उत्सव की रेखा की तरह मैं ये सब गोल्ड पहन के मैं अपनी फर्स्ट नाइट की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा मत करो शांति, मत पहनो, मत पहनो। हाँ? दो प्यार करने वालों के बीच भला इस सोने का क्या काम? उतार दो ये सारा सोना। अरे तुम्हारा बदन किसी सोने से कम है क्या? और वैसे भी ये सारा सोना तुम्हारी सुंदरता के आगे फीका पड़ जाएगा। ये देखो, राम तेरी गंगा मैली फिल्म में ये साड़ी मंदाकिनी ने पहनी थी, अब ये साड़ी तुम पहनकर सुहागरात के लिए रेडी हो जाओ। और ये सारा सोना तुम मुझे दे दो शांति। ये पकड़ो। रेडी हो जाओ, हम अपनी सुहागरात बहुत अच्छे से मनाएंगे। मंदाकिनी के गेट पर मैं कैसे लगूंगी? इंतजार करते करते पूरी रात बीत गई, पर वो नहीं आए। ये बात जब मेरे भाई को पता चली
तो मेरे भाई दौड़े चले आए। ए पागल, ये क्या पहन रखा है तूने? राम तेरी गंगा मैली भैया, राम तेरी गंगा मैली के गेटअप में। अरे शांति, घर चल। अरे चल, अरे चल ना। छोड़िए भैया। ये कोई राम तेरी गंगा मैली नहीं, गोल्ड रेडी की कहानी है। गंगा हो गई पूरी मैली। माफ कीजिए जज साहिबा, लेकिन इनके पास दिमाग ही नहीं है। कोई भी इनको बेवकूफ बना के चला गया और ये बेवकूफ बन गई। उसने तुम्हें लॉलीपॉप दिखाया और तुम ललचाती हुई पीछे पीछे चली गई। लेकिन तुम जैसी खूबसूरत लड़की को आखिर धोखा क्यों दिया, ये सोचना पड़ेगा। देखिए लड़की को, देखिए कितनी सुंदर है। चेहरे से तो लगता है कि अच्छे खानदान की होगी, लेकिन किसी लोफर ने इनको बेवकूफ बनाया और ये उसके साथ सीधे सीधे भाग गई और शादी भी कर ली। ये गलत बात है ना? मर्यादा की बात करते हैं बेवकूफ। चलो शादी कर ली तो कर ली, लेकिन अब उसका कोई गवाह भी है या नहीं है? हमने अग्नि को साक्षी माना था। अरे खाली अग्नि कैसे गवाह हो सकती है? ये तो आपका बिल्कुल पागलों वाला जवाब हो गया। ओए पीपी, अग्नि आकर अगर गवाह देगा तो आप मान लोगे क्या? और वैसे भी शादी का सबसे पवित्र गवाह तो मंगलसूत्र होता है, वो कहाँ है? मंगलसूत्र भी संभाल नहीं सकी। मैंने तुम्हारे गुस्से में उसे तोड़ के फेंक दिया। मंगलसूत्र तोड़कर फेंक दिया? कोई भला मंगलसूत्र तोड़कर कैसे फेंक सकता है? मंगलसूत्र का महत्व जानती हो तुम? तुमको फिल्मी कीड़े ने काटा हुआ है, तभी तो इसका महत्व नहीं जानती हो तुम। जितेंद्र की फिल्में कभी देखी है क्या तुमने? उनकी फिल्में देखती तो पता चलता कि उनका महत्व क्या है। सॉरी जज साहिबा, वो क्या है ना, मंगलसूत्र को लेकर मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। इस लड़की को फिल्मी रोग लगा हुआ है। इसने फिल्मों की एक्टिंग देखकर उस लड़के को अपने घर का सारा सोना दे दिया और उसके बाद उस लड़के ने इसे फिल्मी सपना दिखाकर टोपी पहनाकर भाग गया। ये अपनी मनमानी कर रही है। जैसे फिल्मों में एक लड़का एक लड़की को मन धड़क कहानी सुना देता है, वैसे उस लड़के ने इसे कोई भी कहानी सुना दी। जज साहिबा, ये जो भी बोल रही है ना, इसमें सब सफेद झूठ है, कोई सच्चाई नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब झूठ है और तुम जो बोल रही हो उसमें पूरी सच्चाई है। जज साहिबा, ये जो भी स्टोरी सुना रही है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ये जो कह रही है कि मैं शेर हूँ चीता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इस विटनेस बॉक्स में आपके सामने जो खड़ा है वो एक मामूली इंसान है और ये सब आप तो देख ही रही है ना। मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। फैंटास्टिक, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स पकड़े हैं। मैंने सत्य ही कहा है। मैं भी सच कह रही हूँ। ये मेरा घर है सर, आइए। बैठिए। घर में कोई नहीं है क्या? मेरे भाई के अलावा मेरा कोई और नहीं है सर। घर में औरत आ जाए तो सुख और शांति की समृद्धि होती है, ऐसा मेरे दोस्त ने मुझे समझाया और मैंने शादी कर ली और यहीं पर गलती हो गई। उसके बाद जिंदगी नर्क बन गई। क्या कर रही हो तुम? मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। शादी करने के बाद कौन सी खुशी दी है तुमने? जब देखो कंजूसी। अरे मेरी बात माना करो, शांति रहा करो कभी। मेरे पिताजी ने पहले ही मना किया था कि तुमसे शादी ना करूं। मैं तुमको चाहती नहीं। जाओ यहाँ से, तुम जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। और वो मुझे छोड़कर चली गई अपने प्रेमी के साथ। वो तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। ये सब देखकर मेरा भाई बदल गया और फिर एक दिन। अरे जोसेफ, ये सब क्या है? कहाँ से लाया तू ये? चोरी करके लाया हूँ। अरे पापी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन और खुद को सरेंडर कर दो। ऐसी बात कर रहे हो भैया? अगर ये गुनाह है तो आप जो रोज करते हो वो भी गुनाह हो गया। अब मैंने क्या गुनाह किया? चलो मैं दिखाता हूँ आप रोज क्या गुनाह करते हो। आप रोज गाय का दूध पीते हो ना? हाँ पीता हूँ। तो ये गुनाह नहीं है क्या? गाय का दूध पीने में क्या गलती है? गाय दूध देती है किसके लिए? अपने बछड़े के लिए। और बछड़े के बदले वो दूध किसे मिल रहा है? आपको मिल रहा है ना? अरे बछड़े के पीने के बाद बचा हुआ पीता हूं। तो मैंने भी तो वही किया। उस आदमी के पास इतना सारा पैसा था, उसका काम होने के बाद थोड़ा सा बच गया और बचे हुए में से मैंने वो ले लिया। तो मैंने कुछ गलत किया क्या? ऐसे जवाब अक्सर देने लगा सर। एक नंबर का खिलाड़ी है वो। एक नंबर का खिलाड़ी है भाई। तुम मेरी बात क्यों रिपीट कर रहे हो? एक दिन तो वो किसी का सर फोड़कर घर आया सर। क्या है ये, तेरे शर्ट पर ये खून कैसे लगा? एक आदमी गुस्से से मेरे साथ लड़ने आया था तो मैंने भी उसे फोड़ दिया। कोई तुमको मारेगा तो तुम उसको मारोगे? भैया
एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करे तो उसको साहसी कहते हैं, वो इतिहास बन जाता है। मैंने भी तो वही किया, सामने वाला मुझे अकेला समझकर ललकार रहा था तो मैंने भी बोला कि आजा बेटा आज तुझे दिखाई देता हूँ। हम दोनों की बहुत देर तक लड़ाई हुई, ऐसा मारा है उसे कि दोबारा वो मेरे सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। भगवान ने शक्ति दी है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु ने शक्ति दी है किसी को मारने के लिए नहीं, हिफाजत करने के लिए। अरे मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ भैया, भगवान ने मुझे कोई मामूली शक्ति नहीं दी है। अरे जो शक्ति पुराने राजाओं में थी वही शक्ति मुझ में है। अरे मुझसे कोई जीत नहीं सकता, अरे बहुत बड़ा वीर हूँ मैं, कोई नहीं मार सकता मुझे। हाँ तुम्हारा भाई अलेक्जेंडर से कम नहीं है। हाँ अगर बाहर कोई तुम्हें हाथ लगाए ना तो सीधे मुझे बोल देना, मैं देख लूंगा। ओके इसी तरह सर, मैं उसे कुछ भी समझाता था तो वो कोई ना कोई लॉजिक लगा देता था। लॉजिक से फंसाता था। यही है सर उसका कॉलेज, लेकिन वो कॉलेज में कम ही जाता था, पूरे गांव भर में भटकता रहता था। लेक्चरर भी कंप्लेंट करते थे, फिर भी 100 में से 100 मार्क लाता था। 100% वो पक्का कॉपी करके पास होता था, चालबाज है। अपने कॉलेज में तो सर उसने हद ही कर दी थी, कॉलेज प्रोफेसर की बेटी के साथ प्यार कर बैठा, लेकिन वो दिल से किसी से प्यार नहीं करता था। प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि अपने भाई को समझा दो, मैंने उसे समझाया सर कि प्रोफेसर ने मुझसे कंप्लेंट की है, उसकी बहन पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े औहदे पर है और वो तुझ पर सीबीआई एक्शन ले सकते हैं। मैंने उसे अपनी तरफ से सब समझा दिया सर। उसने कहा कि भैया मैं इस बार तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन अगली बार बीच में मत पड़ना। तो फिर तो तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। अरे नहीं सर, यहीं से तो प्रॉब्लम शुरू हुआ। प्रोफेसर की बेटी को छोड़ के अब उसकी बहन पे लाइन मारने लगा। अब उसकी हिम्मत इतनी आगे बढ़ गई। हाँ सर, और उसने क्या कहा जानते हैं आप? भैया मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, अगर कोई लड़की शराफत से रास्ते पर चल रही हो तो मैं उसके साथ डिसेंट तरीके से पेश आता हूँ, उसे छेड़ता भी नहीं हूँ, चले जाने देता हूँ उसे। लेकिन लटके झटके खाकर जो लड़की मेरे सामने आकर मुझे नखरे दिखलाने की कोशिश करती है तब मैं कुछ नहीं करता, उल्टा वो मेरा शिकार कर लेती है, ये गलत है ना भैया? अब तो सर उसका रोज का नाटक बढ़ने लगा और एक दिन हम दोनों में झगड़ा। सुन ये सब काम छोड़ दे, चुपचाप मेरी बात मान ले। नहीं छोड़ूंगा, तुम क्या कर लोगे? फेंकना है तो फेंक दो, वैसे भी छोटे घर में कुछ नहीं रहना है, मैं तो फाइव स्टार होटल में रहने के लिए बना हूं समझे। ये डिग्री ये सर्टिफिकेट मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनका मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है, इसे फाड़ दे रहा हूं मैं, फाड़ दे रहा हूं, ये लो। और अगर ये भी तुम्हें बोझ लग रहा है तो मैं इसे भी अपने साथ लेके जा रहा हूं, रहो अकेले। उस दिन वो घर छोड़कर कहां चला गया मुझे पता नहीं चला, अब जाकर मुझे भाई मिला है। आप तो अपने भाई से नाराज थे ना, तो फिर क्यों मिलने आए? अखबार में टीवी में खबरें देखकर मेरा दिल घबराने लगा, इसलिए चला आया। मिस्टर पंचमित्रा, आप इस केस के गवाह से पूछताछ कर सकते हैं। वैसे ये बताइए आप यहाँ किस लिए आए हैं सर? सर अरे मैं तेरा भाई हूँ। ओहो, अगर आप मुझसे उम्र में इतने ज्यादा बड़े हैं तो उम्र के हिसाब से आप मुझे अपना छोटा भाई कह सकते हो, इसमें गलत नहीं है। क्या मतलब, मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ? अरे मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन आप जो भी बोलोगे वो सच बोलोगे ये कैसे मान लूं? इस केस में जिस आदमी ने उन 3 लड़कियों को धोखा दिया वो जोसेफ तुम्हारा भाई है, ये बात कंफर्म हो गई। अब आपके भाई का नाम जोसेफ फर्नांडिस है, लेकिन मेरा आपके भाई से कोई लेना देना तुम नहीं। जोसेफ नहीं हो तो कौन हो? अरे भाई मैं जन्म से हिंदू हूँ और मेरा पूरा नाम पंचमित्रा है। इस क्रॉस को देखकर कसम खा कि तुम क्रिश्चियन नहीं हो। जब मैं क्रिश्चियन हूँ ही नहीं तो आपके गॉड की कसम भला मैं कैसे खा सकता हूँ? जज साहिबा, मैं मैंगलोर का रहने वाला हूँ, मेरी माँ का नाम अन्नपूर्णा है और मेरा जन्म और पालन पोषण सब मैंगलोर में ही हुआ है। अभी 1 साल पहले ही मेरी माँ का देहांत हो गया, तब से मैं उस जगह पर बिल्कुल गया ही नहीं हूँ। दैट्स ऑल। ये झूठ बोल रहा है सर, ये तो मेरा भाई जोसेफ है सर, छोटा भाई। जोसेफ तू मेरा छोटा भाई है और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू मुझसे क्यों झूठ बोल रहा है जोसेफ? अरे आपको मैं भाई मानता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं ये दोनों भाई हैं, ये जानने के लिए अगर इनका डीएनए टेस्ट करवाया जाए तो साफ हो जाएगा, अगर कोर्ट इजाजत दे तो। ग्रांटेड। जोसेफ जोसेफ डॉक्टर देखिए ना क्या हुआ है मेरे भाई को। पक्का नाटक कर रहा है ये? नहीं सर ये सीरियस है, इसे जल्द से जल्द एडमिट करना पड़ेगा, पूरा चेकअप करना पड़ेगा। हमने अंदर जाकर पूरी छानबीन की है, वहां कुछ खास नहीं मिला, सिर्फ ये फोटो मिली है सर। इधर आइए। हाँ जी बोलिए।
क्या आप इसे जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, एक साल पहले यहीं रहता था, इसकी माँ भी मर चुकी है। आपके आश्रम में आकर आपको धोखा देने वाला यही है ना? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। नहीं है, अच्छी तरह देखिए इसको। ये उस भेस में नहीं है, मैं जानती हूँ। क्या मतलब? मैं जिस कृष्णा से यहाँ मिलने के लिए आया हूँ वो चोर तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। कृष्णा यहीं पे है, देखिए। जहाँ हंसी होती है, खुशी होती है, मस्ती में लोग झूमने लगते हैं, वहीं पर कृष्णा मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। यहाँ कैसे हो सकता है? Why? Everybody is so serious. Why? आपने श्री कृष्ण भगवान की फोटो देखी होगी, उसे कभी मंदिर में भी देखा होगा, तो वो देख कर आपको कभी लगता है कि भगवान इतने सीरियस हो सकते हैं? नहीं। प्रभु के मुख पर हमेशा स्मित हास्य होता है, वो हंसते रहते हैं, तो उनके भक्त इतने चिंतित कैसे रह सकते हैं? जरा देखिए अपने चेहरे को, कितने दुखी लग रहे हो आप। प्रफुल्ल मन, उल्लास, मस्ती, आनंद हमेशा आपके चेहरे पर झलकना चाहिए, ऐसे मुरझाए क्यों बैठे हो? कम ऑन एवरीबॉडी, एंजॉय, लाफ, हंसो। अरे ये भी कोई हंसी है, अगर हंसी ना आ रही हो तो एक दूसरे को चिमटी काटिए, लेकिन हंसी है, चलो हंसो। हंसो हंसो। Enjoy! ये आपके रजनीश का वादा है, मैं सबको हंसाता रहूंगा। Enjoy! चंद्रा भाई, स्वामी, आपकी कोई रानी नाम की डॉटर है क्या? हाँ स्वामी जी। अच्छा कहाँ है वो, दिखाई नहीं दे रही? रानी आओ बेटी, रंजन स्वामी जी आशीर्वाद लो। आओ स्वामी। चिमटी ले रहा हूँ, चिमटी ले रहा हूँ, ताकि ये भी जोर से हंसे, खुल के हंसे। हंसते हुए प्रभु की आराधना करनी चाहिए। An announcement of enjoyment is the turn of prayer to God. कृष्णा, इसे अपने पास रखो, ये माखन चोर कृष्णा तुम्हें बहुत पसंद करता है, प्रभु तुम पर अपनी दृष्टि हमेशा बनाए रखे। कृष्णा, हाँ साइलेंस प्लीज, साइलेंस। हाँ कृष्णा, हाँ बोलो बोलो। हाँ अच्छा ऐसा, हाँ ओके कृष्णा, ओके कृष्णा, हाँ ओके, समझ गया समझ गया। चंद्रा भाई, आपकी कन्या कोई सामान्य कन्या नहीं है, आपकी कन्या केवल रानी नहीं बल्कि कृष्णा की राधा है। सच में स्वामी जी? अम्मा ये जो कह रहे हैं सच है क्या? हाँ बिल्कुल, प्रभु कृष्णा ने अभी अभी डायरेक्टली मन के फोन से मुझे सब बता दिया है। कृष्णा, आपकी कन्या ने द्वापर युग में कोई बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, जिससे प्रभु कृष्णा बहुत हर्ट हुए थे, और इसलिए प्रायश्चित के तौर पर आपकी बेटी ने धरती पर जन्म लिया है। अब प्रभु श्री कृष्णा का आदेश है कि इन्हें श्राप से मुक्त कराया जाए और स्वर्ग की ओर भेजा जाए। सच में स्वामी जी? अम्मा मैं सच में स्वर्ग जाऊंगी क्या? रानी, गेट रेडी टू फ्लाई टू हेवन। चंद्रा भाई, मैं अब अपने भक्तों को दर्शन देने वाला हूँ, तो तुम भी जाकर लाइन में खड़ी रहो। तुम्हें भी ब्लेस यू, ब्लेस यू। इसको तो देखो, एक्सीडेंट हुआ है लेकिन कोई दर्द नहीं है स्वामी, सब आपकी कृपा है स्वामी। ये लो, तुम भी लो, चलो समय बर्बाद मत करो, निकलो निकलो, जाओ जाओ चलो चलो। आओ आओ, हाँ ब्लेस यू स्वामी, आज तो बड़ा मजा आ रहा है।
क्यों बड़ा मजा आ रहा है? सारा दुख दर्द दूर हो गया आपकी लीला ब्रह्मा रे। ये कृष्ण की आराधना का फल है, कृष्ण की लीला में तुम मुग्ध हो ना, इसलिए ऐसा फल है। हाँ, अब इससे तुम बाहर मत निकलना, जाओ मजे करो जाओ। स्वामी जी, ये लोग कितना झूम क्यों रहे हैं? प्राइवेट है। ये सब आपकी क्या लीला है? हाँ, वो क्या है, यस्टरडे नाइट 2 o'clock श्री कृष्ण ने मेरे सपने में आकर मुझे कहा कि इन सभी को प्रेम का रस पिलाओ। दैट्स व्हाई मैं इन सभी को प्रेम का रस पिला रहा हूँ। तुम भी चाहो तो एक गिलास मार लो, अपने आप भक्ति में मुद्रा में लीन हो जाओगी। जाओ आशीर्वाद। तुम कहाँ जा रही हो सुंदरी, बैठो। माँ को भक्ति रस में लीन हो जाने दो, तुम प्रेम रस में मेरे साथ लीन हो जाओ। चंद्राबाई कौन है? चंद्राबाई कौन है? मैं हूँ परमात्मा श्री कृष्ण। आप कहाँ हो स्वामी जी? मूर्ख महिला, मैं ध्यान केंद्रित करने पर ही दिखता हूँ, समझी? मेरी बात को अब ध्यान से सुनो। इस जन्म में जो तुम्हारी बेटी बनकर आई है वही राधा है, और इस आश्रम के जो स्वामी है रजनीश वही श्री कृष्ण है, और तुम्हारी राधा के भी श्री कृष्ण है। धन्य हो स्वामी जी, धन्य हो स्वामी जी। कन्या के विवाह के बारे में जल्दी सोचो, अन्यथा उचित वक्त निकल जाएगा। मैं समझ गई स्वामी जी, मैं आपकी बात सब समझ गई। भगवान की लीला अपरंपार है स्वामी जी, मैं रानी का विवाह जल्दी इस चोर कृष्ण से राधा की शादी करने से डरती हो तुम? हाँ स्वामी जी। अगर मैं आज ही राधा से शादी करूँ तो तुम खुश हो जाओगी? हाँ स्वामी जी, आज ही स्वामी जी। बिल्कुल, मेरे दोस्त जॉनी वॉकर ने कल फोन किया था क्या? आप तो सब जानते हैं स्वामी जी, मैं आपको क्या बताऊं? मुझे तो बहुत चिंता थी इसकी शादी की। स्वामी जी, इसकी सब कब शादी करेंगे? शादी तो हो जाएगी, तुम बस मंडप तैयार करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। राधा समझा करो ना, राधा समझा करो ना, ये कृष्ण बंदा पासपोर्ट तेरा, स्वर्ग की सीढ़ी जाने का रास्ता। Yes I am God, God is great। राधा समझा करो ना, राधा समझा करो। ना करे ये दिल, ना है भर ये दिल, तेरी ही बातें करे। तुझ में ही दिल लटका मेरा, ये दिल भटका, तुझ में ही खोया रे। तू ही है उर्वशी, तू ही है मीनाक्षी, तुझ में ही दिल ये रे। अब तो आजा दिल पे छा जा, बिंदिया बोले कंगना बोले, स्वर्ग की है तू राधा, राधा स्वर्ग की है तू राधा। राधा समझा करो ना, राधा समझा करो। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, 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 H
ट्रैफिक जैम नहीं, रेशन की लाइन नहीं, ना ही है कोई कमी। पॉलिटिक्स नहीं है, पॉल्यूशन नहीं, नहीं है इंसान कोई। नैनों को दिखते हैं दिलकश नजारे, तन मन झूमता रहे। डरना कैसा, रुकना कैसा, तकना कैसा, सहना कैसा। हाँ स्वर्ग की है तू राधा, राधा स्वर्ग की है तू राधा। राधा समझा करो ना, राधा समझा करो ना। ये कृष्ण बंदा पासपोर्ट तेरा, स्वर्ग की सीढ़ी जाने का रास्ता। Yes I am God, God is great। राधा समझा करो ना, राधा राधा समझा करो ना। स्वामी, उंगली दर्द कर रही है क्या? अब क्या कर सकते हैं, 24 आवर्स तो सिर्फ इसी उंगली से सुदर्शन चक्र चलता है ना। स्वामी जी। हाँ? मेरी राधा का श्राप कब खत्म होगा, ये स्वर्ग कब जाएगी? वीजा आने की कवायद शुरू हो चुकी है। वीजा आएगा? हाँ, मेरी चाहत ही तो इसका वीजा है। स्वामी जी आपकी बात समझ भी नहीं आ रही है। हाँ, चंद्राबाई, मेरी सुहागरात होने से पहले ही मेरा विश्वरूप दर्शन हो जाएगा। तथास्तु। विश्वरूप दर्शन होगा मुझे? धन्य हूँ स्वामी जी। अब आप जाइए, विश्वरूप देखने के लिए तैयार हो जाइए, जाइए जाइए। राधे राधे, इस श्रृंगार प्रिय के लिए तुम जितना सोना पहन सकती हो पहन लो, और उसी कॉस्ट्यूम में मेरे लिए एक ग्लास दूध लेकर आओ। लाओगी ना? लाऊंगी स्वामी। लव यू। शांति, साइलेंस प्लीज। राधा को छोड़कर तुम सब लोग मेरा विश्व रूप दर्शन देखने के लिए बाहर गार्डन में आ जाओ। चलो गार्डन में, चलो जल्दी जल्दी। राधे, स्वर्ग जाने के लिए रेडी हो जाओ और मेरा आशीर्वाद पाने के लिए मेरे पैर छुओ। स्वामी। हरिओम श्री कृष्णा, जय कृष्णा। जब स्वयं कृष्ण अंदर है तो परमात्मा का बाहर दर्शन कैसे होगा? अंदर चलो। हाँ, अंदर चलो। चलो, चलो, सब अंदर चलो, अंदर चलो, 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 चलो। भगवान का रूप लेके हम सबको धोखा दिया, ऐसे धोखेबाज को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इसको किसी की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, न जाने कितनी लड़कियों को इसने धोखा दिया होगा। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस पापी को अगर आप कहें तो मैं अपने हाथों से मारना चाहूंगा। हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। भले ही आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है लेकिन मुझे आपको देखकर हंसी आ रही है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं जब भी आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है मैं अपने गाँव में कृष्ण की लीला देख रहा हूँ, वही नाटक। देखो ना, कोई भी उठ के स्वामी बनकर सीधे आ जाता है। मैं कृष्णा हूँ और ये राधा माँ है। अभी इसको स्वर्ग की ओर जाना है और ये भी तैयार होगी जाने के लिए। कितना बड़ा पागलपन है ये। छह, अच्छा कृष्ण भला इस कलयुग में धरती पर क्यों आएगा? अरे कृष्ण और राम का भजन गाने के लिए ही तो दुनिया आश्रम बनाती है, और तुम हो कि प्रेम प्रीत प्यार के चक्कर में फंस गए। छी 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 छी। हमारे गाँव में एक कहावत है, नारी जात को बुद्धि नहीं होती, वो जो कहो वो सीधे मान लेती है। इसने भी कहावत को सच कर दिया, बिना सोचे समझे सीधे स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो गई।
मोहतरमा, आप तो इतने कम उम्र की हो, इस उम्र में तो प्यार और मोहब्बत की बातें होनी चाहिए, ना कि मोक्ष पाने की। कोई लड़की लड़के के पैर में पड़ती है, कोई कृष्ण के। अब ये भी लड़की भगवान श्री कृष्ण के पैर में पड़ गई, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, कोई भला भगवान से शादी कर सकता है क्या? आप ही बताइए ना जज साहिबा, आप बताइए। कोई भी उठकर बोलेगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अवतार हूँ तो आप भरोसा कर लेंगी क्या? ऐसे लोगों को तो सीधे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। अरे इस युग में भगवान श्री कृष्ण से किसी की शादी हो रही है, कैसे हो सकता है? अरे क्यों टाइम की खोटी कर रहे हो, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है ये सब बातें सुनकर। मैं नारी जाति का बहुत सम्मान करता हूँ, कृष्णा इस अकल की अंधी को बुद्धि दे दो। जज साहिबा, इस उच्च न्यायालय में स्वच्छ वातावरण के लिए इस तरह की पागल लड़कियों का तुच्छ केस बिल्कुल ना लिया जाए, ऐसी मेरी आपसे विनती है। मोहतरमा, आपने जिससे शादी की वो मैं नहीं, वो तो देवता है। मैं तो बिल्कुल मामूली मनुष्य हूँ, है ना? मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। ब्रिलियंट। जाकिर हुसैन, हाय जाकिर। कितनी बार आपको समझाया कि मेरा नाम पंचमित्रा है, पंचमित्रा है, लेकिन आप फिर भी ना। ऑटोग्राफ? ऑटोग्राफ, वो तो सुदीप की फिल्म है, मैंने देखी है। क्या फिल्म है, हीरो हीरोइन ने बहुत बेहतरीन अदाकारी की है उसमें। दस्तखत? मेरे दस्तखत? मैं उतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं मैडम। पंचमित्रा, प्लीज एक साइन कर दो। अगर आप अपनी चालाकी को पॉजिटिव वे में ले जाओगे तो बहुत बड़े लॉयर बनोगे। लॉयर? मैं उस पीपी की तरह लॉयर बनूं? छी 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 छी। देखो, मैं पैसा कमाने के लिए कोई भी झूठ नहीं बोल सकता, हाँ समझे? वैसे ये काम मेरे बस का नहीं है, ये इसे संभालो, मैं चलता हूँ। मैं वो नहीं हूँ, मान लिया, ये बहुत चालाक है, स्मार्ट गाय। तुम्हारी बहन के जो गहने हैं वो यही हैं क्या? बता नहीं सकता सर, बहुत पुरानी बात हो चुकी है ना इस बात को। और जिसने तुमको गहने बेचे हैं वो यही है ना? अरे ये नहीं है भाया, जानी वाकर नाम का आदमी ये माल मेरे को बेचा था। क्या नाम बताया? जानी वाकर सर। तुम्हें उसका एड्रेस पता है? हेलो सर, हैं क्या सर? मेरे बारे में छोड़िए, मेरी बात बहुत जरूरी है सर। सर, पंचमित्रा केस में जो बार बार फोन करता था ना सर, जानी वाकर सर, आज वो मर गया सर। मैं जानी वाकर सर। ए, बोल रहा था कि जॉनी वॉकर मर गया है और खुद ही जॉनी वॉकर बनकर फोन कर रहा है। वो सब फ्रॉड जिसने किया है वो तू ही है ना? अरे सिम, क्या बात कर रही है? बहुत मजेदार था। जाकिर, जाकिर, जाकिर हुसैन, जाकिर। तुम जेल से भाग रहे हो ना? तुम ही जाकिर हो, मुझे पकड़ लिया तुम्हें। बताओ, तुम ही जाकिर हो ना? तुम ही जाकिर हो। देखिए, मैं तू ऐसे नहीं सुधरेगा, तू एक नंबर का फ्रॉड है। माँ, क्या हुआ बेटी? इतनी रात को बुरा सपना था माँ। बुरा सपना देखा? इसका इलाज है मेरे पास। वो क्या है? और इसका इलाज तुम्हारी शादी। माँ, शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। माँ स्टॉप इट। अरे नाराज क्यों होती हो, मजाक कर रही हूँ। ये दूध पी लो। अरे कोर्ट के लिए देर हो रही, पी लो। तुम्हारा नाम क्या है? उधर मत देखो, बताओ। गोपीनाथ, आई मीन गोपी सर। जॉनी वॉकर तुम ही हो ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अच्छा ठीक है, पहली बार तुम इनसे कहाँ मिले थे ये बताओ। सर ये अक्सर एक बार में आया करता था, मैं इसे पहली बार वहीं मिला। अच्छा, तो तुम्हारी वहाँ दोस्ती हुई? एक दिन ये बार में आया, इसने वहाँ बहुत ज्यादा पी ली थी सर, बहुत ज्यादा चढ़ा ली थी। 1000 रुपए का बिल आया, इसने मुझे कोने में बुलाया, बोला 500 रुपए का बिल बना, 200 रुपए मैं तुझे अलग से दूंगा। मैंने बना दिया सर, जेब में 200 रुपए गए। फिर उस दिन से हम क्लोज फ्रेंड बन गए। फिर आगे क्या हुआ? होगा क्या, आगे बढ़े, दोस्ती आगे बढ़ी ना। पर इतना बड़ा फ्रॉड निकलेगा मुझे मालूम नहीं था सर। इसने मुझे फोन खरीद के दिया, फिर फोन नंबर देता था, उस पे बात करने के लिए बोलता था, फिर एक एक लाइन इसकी होती थी सर, बात सिर्फ मैं करता था लेकिन दिमाग इसका होता था सर। सर बहुत बड़ा खिलाड़ी है। फिर तुमने जॉनी होकर के नाम से फोन किया सर? बार बार मुझे फोन करने के लिए बोलता था, कभी कभी फोन रिटर्न भी आता था, पूछते थे कौन बोल रहा है, मैं कंफ्यूज हो जाता था सर। फिर एक दिन मैंने देखा बोतल पे जॉनी वॉकर लिखा था, मुझे नाम पसंद आया सर।
उसी दिन से मैं जॉनी वॉकर बन गया। कैसा लगा मेरा दिमाग भाई? भाई भाई नहीं हूँ मैं, तेरा फ्रेंड हूँ। फ्रेंड तुम मेरे नहीं हो, उसके जज साहिबा ये भी फ्रॉडी है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। एक बात बताओ, जब तू 200 रुपए लेकर अपने मालिक को धोखा दे सकता है तो किसी और से 200 रुपए लेकर मुझे भी धोखा दे रहा है। मुझे लगता है पंचमित्रा को फंसाने के लिए किसी ने इसे पैसा दिया है, इसलिए ये कोर्ट में गवाही देने के लिए आया है। चलो मैं तुझे 100 रुपए देता हूँ, तुझे किसने 200 रुपए दिए थे? किसने? मेरे जैसा जो दिखता है उसने दिए थे, और वो हमें फंसा कर कहीं बैठकर आराम से ये सारा खेल खेल रहा है और मजे कर रहा है। मेरे सामने एक्टिंग मत कर, मैंने भी बहुत फिल्में देखी हैं। हमारे पास तो एकदम दिमाग नहीं है। दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, ये बात तू जानता नहीं है क्या? जिन्हें लोग देख कर हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी तरह तू मुझे देख कर कंफ्यूज हो रहा है। अब मेरी शक्ल तू गौर से देख और सच में बता कि वो मैं हूँ या नहीं। Screwing you, no. Screwing you, yes. Here we go, bam. Push the tempo. Where my hoes at? Here we go, boom. Up to your grill. Come on. Hey, अरे भगवान, नहीं ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। हे भगवान, क्या बच गया? ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। मोनिका जी, क्या आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल करेंगी? प्लीज बताइए मैम। मैडम, मैंने सुना है कि पंचमित्रा के खिलाफ आपने केस फाइल करने का। मैडम, मैडम प्लीज प्रोसीड। आप बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून हैं, ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, आपकी शादी हो गई? जी हाँ, शादी भी हुई और डिवोर्स भी हुआ है। मैं फॉरेन में पली बड़ी हूँ और इसी वजह से मैं अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई। मेरा पति आलसी था, हमेशा सोया रहता था। इसलिए मैंने उसे डिवोर्स दे दिया और उसके बाद मैं अकेली ही थी। फिर एक दिन मैंने पर्सनल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए इंटरव्यू रखा। मेरी कंपनी के बारे में क्या जानते हो? बहुत कुछ मैडम। होम अप्लायंसेस आपका मेन प्रोडक्ट है। शेयर मार्केट में आपके शेयर हाई हैं। पर शेयर की वैल्यू 720 रुपीज 40 पैसा। आपका डेली टर्नओवर 6 लाख, मंथली टर्नओवर 1 करोड़ 80 लाख और ईयरली टर्नओवर 22 करोड़। एम आई राइट? गुड। पॉजिटिव अप्रोच का कोई एग्जांपल है तुम्हारे पास? कन्याकुमारी में खड़े होकर समंदर की तरफ देखो तो इंडिया समाप्त हो जाता है, ये नेगेटिव एग्जांपल है। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से देखो तो इंडिया स्टार्ट हो रहा है, ये पॉजिटिव। तुम्हारे दो पसंदीदा लोग कौन हैं? दो पसंदीदा लोग, पहला शख्स है नेपोलियन, जो अपने काम अपने साथियों को भरोसे में लेकर करता था, और नंबर टू वो है फरनाट साहा, जो कहता है कि ये दुनिया ऐसी क्यों है। सोचने से अच्छा ये सोचो कि ये दुनिया ऐसी ही है, यही प्रगति की निशानी है मैडम। गुड, नाउ यू आर इन माय टीम। थैंक यू मैडम। श्याम, सेक्रेटरी का मतलब है 9 to 6 वाला जॉब नहीं, 24 hours का जॉब। ऑफिस हो या घर पर, तुम्हें यही मेरे पास रहना होगा। यस मैडम, मैं उन सब के लिए रेडी हूँ मैडम। गुड, वन मोर थिंग, तुम्हारी बॉस लड़की है ये सोचकर डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। आई डोंट बिलीव इन दिस लेडीज ग्रुप, जेंट्स ग्रुप, आई डोंट लाइक इट। इज दैट गुड? मेरी भी यही सोच है मैडम, मैं लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं समझता। गुड। यस मैडम, थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। हे, तुम अंदर क्यों आ गए? मैम, मैंने सोचा कि सुबह सुबह उठते ही आपको कॉफी सिगरेट की जरूरत पड़ती है, तो वो देने आ गया मैम, लीजिए ना। ओके ओके, वहाँ पर रख दो। ओके मैम, ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ए, नेक्स्ट टाइम मेरे रूम में बिना परमिशन के मत आना, इज इट ओके? पर क्यों मैम? पर क्यों मतलब? वो क्या है ना मैम, इससे पहले मैंने रघुपति जी के यहाँ पर काम किया था, तो उन्हें मैं रोज सुबह सुबह कॉफी देने जाता था, लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसा कभी कहा नहीं मैम। वो आदमी था और मैं औरत हूँ। लेकिन आप तो आदमी और औरत में कोई फर्क नहीं समझती ना मैम। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। What is this, श्याम? ये सब क्या है? मैम, ये बेड मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए सजाया है मैम। आज क्या मेरी फर्स्ट नाइट है? Are you mad? मैम, ऐसा मत बोलिए मैम, प्लीज आप अपना नजरिया चेंज कीजिए। वैसे एक बात समझ में नहीं आई मैम, कि सब लोग अपनी फर्स्ट नाइट बिल्कुल ग्रैंड तरीके से बनाते हैं, लेकिन फिर बाद की नाइट सारी डल क्यों हो जाती है मैम? मेरे हिसाब से एवरी नाइट फर्स्ट नाइट की तरह होनी चाहिए मैम, है ना? That's all okay. लेकिन तुम ऐसे सज धज के
फर्स्ट नाइट की तरह क्यों खड़े हो? तुम्हारी नीयत तो ठीक है ना? मैम, मेरी नीयत तो बिल्कुल ठीक है मैम। मैं तो हर नाइट को अपनी फर्स्ट नाइट ही समझता हूँ मैम, और उसी तरह से बिहेव करता हूँ मैम। बट स्टिल आई एम बैचलर मैम। मैम, वो दूध और फल वहाँ रखे हैं और फूल सजाकर बेड रेडी है मैम। आप दूध पी लीजिए और आराम से, खुशी से इस पे आराम से चैन से सो जाइए मैम। मैम, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं बाहर ही सोया हूँ मैम, मुझे जगा दीजिए। ओके मैम, एंड आई विश ऑल योर नाइट शुड बी योर फर्स्ट नाइट मैम। ओके मैम, बाय, गुड नाइट। सुहाग रात है। श्याम, श्याम, श्याम। मैम, 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 आया मैम, आया मैम, ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी मैम। मुझे कॉफी नहीं चाहिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आपको ठंड लग रही है? एक और ब्लैंकेट ला दो प्लीज। मैम ठीक है, अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ मैम। मैम ये जल्दी ये करो, कश्मीर ब्लैंकेट मैम, बहुत अच्छा है, आपको ठंड नहीं लगेगी मैम। हाँ, अभी भी ठंड लग रही है, एक और ला दो प्लीज। अच्छा, अभी भी लग रही है, ठीक है अभी ले आता हूँ मैम। ये लीजिए। श्याम, मैम वन मोर प्लीज। म्याओ, वन मोर ब्लैंकेट। म्याओ, वन मोर, वन मोर ब्लैंकेट। ब्लैंकेट खत्म मैम, ब्लैंकेट खत्म। म्याओ, मुझसे नहीं होगा, सारे ब्लैंकेट खत्म हो गए मैम। ये गर्म ब्लैंकेट है ही नहीं मैडम, वो क्या है ना, आपके शरीर में जो ठंड है ना, वो ब्लैंकेट से नहीं जाएगी मैम, और 10 ब्लैंकेट लाके पटक दो तो भी नहीं जाएगी मैम। ये ठंड बाहर के एटमॉस्फेयर की नहीं है मैम, ये ठंड तो अंदर से आई हुई ठंड है मैम। म्याओ, ये लड़की की ठंड ना बिल्कुल हिमालय के आइस की तरह होती है, और इसके विपरीत लड़का सूरज की तरह होता है। जैसे ही सूरज की किरणें हिमालय पर पड़ती है तो हिमालय में से हिम निकलकर उसका गंगा में रूपांतर हो जाता है, और गंगा से सागर, इसी तरह से जीवन चलता है मैम। देखिए मैडम, आप इस तरह की ठंड को वो फ्रिज में रखे हुए नकली आइस की तरह मत समझ लेना, दैट्स डिफरेंट मैम। मैम, आदमी के पास करोड़ रुपया होकर क्या फायदा, जब साथ रहने के लिए जीवन साथी ही ना हो, ऐसा जीवन जीकर भी क्या फायदा होगा मैम। जीवन की गाड़ी तो तभी चलती है जब आदमी औरत का और औरत आदमी का साथ दे मैम। आई एम सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई मैम। मैं सुबह पक्का डॉक्टर को ले आऊंगा मैम। ओके मैम, ओके बाय। श्याम, श्याम। आया मैम, आया 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 आया। हां, बोलिए 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 मैम। क्या हुआ, क्या हुआ मैम, क्या हुआ? यस मैम। कहां थे तुम कल रात, तुमने क्या किया? कल रात मैं खाना खा के सो गया मैम। चुप मत बोलना। कल रात को मैंने ब्लू ड्रेस पहनी थी, लेकिन अब वो मैंने ही चेंज की थी मैम। मैम, आप भीग गई थी और ठंड से कांप रही थी, तो आपको तकलीफ ना हो ये सोच के मैंने आपका ड्रेस चेंज किया मैम। मिस्टेक हो गई तो सॉरी मैम। चेंज करते वक्त मैंने लाइट्स ऑफ कर दी थी मैम। प्रभु प्रभु, सॉरी 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 मैम। वैसे जो भी किया मैंने मजबूरी में किया, क्योंकि आपकी जान बच जाए यही मेरी सोचती है, सॉरी मैम। I'm sorry, लेकिन मैं तुम्हें अभी डिसमिस कर रही हूँ। मैम, कल से तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन रहोगे यहीं पर। लेकिन अब क्या ऐसे काम करने के लिए भी तनख्वाह देनी पड़ेगी? मैं कुछ समझा नहीं मैम। मेरा मतलब है, पति को कोई तनख्वाह देता है क्या? मैं समझ गया, got it मैम। लेकिन मैं मंगलसूत्र कैसे पहनूंगा? Stupid, मंगलसूत्र तुम मुझे पहनाओगे। ऐसा है क्या मैम? लेकिन जब लड़का और लड़की समान है तो लड़के को भी मंगलसूत्र पहनना चाहिए ना मैम। श्याम, डोंट जोक, मेरा मन बदल गया तो मैं ही पहना दूंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। लेकिन बच्चा तो आपको होगा ना मैम। हाय श्याम। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अच्छा हुआ आ गए, एक सरप्राइज है, चलो तो सही। हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपनी कंपनी के नए मैनेजर के बारे में बताया था, वो यही है, श्याम प्रसाद।
अभी हम दोनों शादी करने वाले हैं। देखिए मैं ये न्यूज अभी तुरंत किसी को बताना नहीं चाहता था तो। नो श्याम, ऐसी बात तो मत करो, ये न्यूज लोगों को पता चलनी चाहिए। फ्रेंड्स ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेक दिस अ ग्रेट कवर स्टोरी, ओके? उस दिन के बाद शाम कहाँ चले गए मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज भी मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। योर ऑनर, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि इन्हें छोड़ दिया जाए। आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? अब मैं इनसे क्या पूछूं जज साहिबा, ये तो खुद ही मेरी वकील बनकर मेरी ही साइड ले रही है मोहतरमा। ये भी मान गई है कि मैं सर डीएनए रिपोर्ट आ गई है। अब जाके वो फंसेगा। डीएनए रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई है ना? नहीं सर, दोनों की रिपोर्ट मैच नहीं कर रही। मैच नहीं कर रही? तुम्हारी जिंदगी भी तो खराब की, उसको क्यों बचाया? नहीं, किसने किसकी जिंदगी खराब की है उसका फैसला तो अब ऊपर वाला करेगा, और वो गुनहगार है या नहीं इसका फैसला जज करेंगी। और जो उसने तुम्हें धोखा दिया उसको ऐसे ही छोड़ दोगी, उसका क्या? हाँ उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन आज भी मेरे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है जो कभी कम नहीं होगा। तुम पागल हो गई हो? अब मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम शायद मेरी बात नहीं समझ सकती। आ जाना मुझसे मिलने, आ जाना 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 मुझसे मिलने, आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना राह तक मैं भी तेरी, आ जाना राह तक मैं भी तेरी, आ जाना दूरी सही जाए ना रे, आ जाना बस तेरा सनम तू आ जाना, संग चाहूं बस तेरा सनम तू आ जाना। आ जाना आ जाना मुझसे मिलने, आ जाना 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 मुझसे मिलने, आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना। करता दिल मेरा तू ही है मंजिल मेरा, तन मन पे अब जोर नहीं, पास आ जा रे अब ना तरसा रे, ऐसे ना नखरे दिखा रे। नशा है तेरा 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 जलवा ये मेरा 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 मेरा, नशा है तेरा तेरा जलवा ये मेरा मेरा, दोनों मिलेंगे ही किसी की सुने।
सुन 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 चल परी, बढ़ती है सांसे मेरी, मारे जो तूने यूं झटके। चंपा कली मैं तेरी बादशाह, तू मेरा दिखाता है मुझको क्यों नखरे। बस मैं ना दिलिये 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 देखे बस सपने तेरे तेरे तेरे। बस मैं ना दिलिये दिलिये देखे बस सपने तेरे। काबू रख खुद पे तू, मैं तो हूँ तेरी सनम। आ जाना आ जाना मुझसे मिलने, आ जाना 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 मुझसे मिलने, आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना। राही तक मैं भी तेरी आ जाना, राही तक मैं भी तेरी आ जाना, दूरी सही जाए ना रे आ जाना। संग चाहूं बस तेरा सनम तू आ जाना, संग चाहूं बस तेरा सनम तू आ जाना। योर ऑनर, सामने कटघरे में खड़ा जो व्यक्ति है वो 100% शातिर दिमाग वाला है। इसने अपने शातिर दिमाग से अपने स्वार्थ के लिए सबको अलग अलग तरीके से धोखा दिया, और तो और इसने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। ये बात अदालत में इसके भाई ने भी साबित किया, और लड़कियों ने भी कहा है कि इसने भेष बदल करके अलग अलग तरीके से अलग अलग लड़कियों को फंसाया भी है, फंसाने के बाद धोखा दिया इसने। ये बहुत शातिर है। ये बात तो यही साबित हो जाती है कि ये खुद कोर्ट में अपना डिफेंस कर रहा है, इससे और क्या बड़ी चीज हो सकती है। आई एग्री ही इज अ जीनियस, बट ही इज एन एविल परवरेट क्रिमिनल जीनियस, जीनियस इन क्राइम। ये जीनियस है तो वेज भी खाएगा, नॉन वेज भी खाएगा, और जरूरत पड़े तो पानी को बियर बना के भी पी जाएगा। ठीक उसी तरह से उन लड़कियों के साथ भी इसने ऐसा ही खेल खेला है। धोखा देने में ये इतना शातिर है कि इसने अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा। ये रनर, इसके अभिनय को देखकर बॉलीवुड के लोग भी चकरा जाएंगे। केस के शुरुआती दौर से ये कहता आ रहा है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। ये क्या साबित करना चाहता है आप जानती हैं। लेकिन न्यायालय बेवकूफ नहीं है, तुम्हारे गुनाहों का पर्दाफाश हो चुका है। इंडियन पेनल कोड की धारा 493, 494, 495, 496 और 497 के तहत मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि इसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। ऐसी मैं विनती करता हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर। अब इस केस का फैसला अगले हफ्ते सुनाया जाएगा। कोर्ट इज एडजर्न। गुड मॉर्निंग सर। सर, पंचमित्रा अन्नपूर्णा का बेटा नहीं है, इसका गवाह लाया हूं सर। ये नमूना कौन है? सर, उस अन्नपूर्णा के 4 बच्चे हैं, 2 विजयनगर में रहते हैं और 2 विदेश में रहते हैं। मतलब पंचमित्रा अन्नपूर्णा का बेटा नहीं है, हम सबसे झूठ बोल रहा है क्या? रे, अन्नपूर्णा घर कहाँ है ये तो बता सकता है ना? हाँ हाँ, मेरी माँ है अन्नपूर्णा। वो कहाँ है? क्या बात कर रहे हो सर, उनका रहने का तरीका हम दोनों को पसंद नहीं आया, परेशान करके रखा था सर। मुझे लगता है मैंगलोर वाले घर पे पड़ी होंगी चुपचाप। मैंगलोर वाला घर तुम्हारी माँ ने रुद्रेश को बेच दिया है, वो तो तुम्हें पता ही होगा ना। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे बेच देगी सर? यहाँ आके आप बिना काम की बात कर रहे हो, हम लोग यहाँ चुप नहीं रहेंगे। मैं देखता हूँ कैसे बेचती है वो, कल ही मिलूंगा उनसे। हाँ, शमशान में जाके लेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ए, तुम्हारी माँ को मरे हुए 1 साल हो चुके हैं। तुम्हारी माँ बीमार थी ना, तुम दोनों में से कोई पैसा खर्चा नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम दोनों ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और कभी पता भी नहीं किया कि वो जिंदा है या मर गई है। ज्यादा दिमाग मत खराब कर, नहीं तो बहुत बुरा होगा। रास्कल्स, उसने मेरी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो जेल से जिंदा बाहर नहीं आना चाहिए। वो जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलेगा तुम सब मिलकर उस पर हमला कर देना, वो बचना नहीं चाहिए। आज इस समय कटघरे में खड़े मुस्लिम पंचमित्रा के ऊपर बहुत सारे आपराधिक केस हैं, जैसे धोखेबाजी, लूटपाट, जिसे वो मानने से मुकर रहे हैं। केस में वो शरीक नहीं है, इसलिए
अगर इन्होंने गुनाह नहीं किया है तो कौन है वो गुनहगार? उसे हमें ढूंढना होगा। अभी तक जो भी सबूत हमारे सामने हैं, वो पंचमित्रा को गुनहगार साबित करने में नाकाफी हैं। हमारे पुलिस द्वारा पेश किए गए एकमात्र साक्षीदार थे मिस्टर डेविड फर्नांडिस, इस केस के मुख्य इकलौते गवाह। उसमें भी डीएनए रिपोर्ट से भी ये साबित नहीं हुआ है कि ये दोनों भाई हैं। रेखा के भाई को मिस्टर विजय ने 25 लाख रुपए का धोखा दिया, ये प्रूफ हो चुका है। ये 25 लाख रुपए विजय द्वारा मंत्री जी को घूस देनी चाहिए, दैट मीन्स ये देश के लिए बहुत ही घातक है। घूस लेना और देना ये किसी भी देश की तरक्की के लिए बहुत ही घातक है, ऐसा संविधान में है। अब भक्ति में लीन माँ और बेटी, इन दोनों को किसी बहरूपिये ने ठग लिया, पर कोई गवाह नहीं। राधा और चंद्राबाई कोई सबूत नहीं दे पाई। मिस्टर जोसेफ फर्नांडिस पंचमित्रा है, इसका भी कोई सबूत नहीं मिला है, जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बहुत ही अच्छी अच्छी दलीलें दी है जो कि ना काफी है। ये पंचमित्रा ही वो जोसेफ फर्नांडिस है, ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं है। अगर और भी कोई साक्षी है तो अब तक आपको ला देना चाहिए था। गवाह के अभाव में पूरा केस सुनने के बाद पंचमित्रा ही अपराधी हैं, इस बात पर मुझे संदेह हो रहा है। पंचमित्रा ने ही अपराध किया है, इसका कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है। पंचमित्रा पे कई दिनों से जो मुकदमा चल रहा है, कोर्ट सारे सबूत को खारिज करती है और आज कोर्ट इन्हें बाइज्जत बरी करती है। सर, 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 क्या हुआ? वो पंचमित्रा फंसा कि नहीं फंसा? पंचमित्रा निर्दोष है, ये फैसला हो चुका है। ये क्या कर रहा है तू? सही बोल रहा हूँ सर। सर वो नहीं है सर। ये क्या बकवास कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ सर, वो नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? अरे वहाँ देखिए सर, रजनी स्वामी। रजनी स्वामी? अम्मा, रजनी स्वामी, स्वामी, स्वामी। सर वहाँ देखिए सर, समर सिंह रेड्डी। रेड्डी जी, रेड्डी जी। सर सर वहाँ देखिए सर, विजय मित्तल। विजय सर, ये देखो सर, श्याम प्रसाद। श्याम, श्याम, गाड़ी को फॉलो करो। ए रुको, उसका पीछा करो। ए रुको। मैं वो नहीं हूँ। स्वामी, चल तेज चला। ट्रेन से रुको। सारी गाड़ियां यही है, वो सब यही होंगे। जोसेफ, हे जोसेफ, क्या हुआ तुझे? वो लोग कौन थे? हे, वो सब कौन है बता मुझे, कौन है, कौन है? वो पंचमित्रा कहाँ है? समर सिंह रेड्डी, रजनी, विजय मित्तल, श्याम प्रसाद, सब अलग अलग हैं। मुझे धोखा दिया, कहाँ थे तुम? तुम्हारी तो, मैं तुम्हें नहीं छोडूंगी। जानते हो ये सब कौन है?
ये जो चार लोग दिख रहे हैं ये उन चारों लड़कियों के लवर्स हैं, यानी प्रेमी हैं। ये है श्रीकांत, ये आंध्रा की लड़की से शादी करने वाला था। ये है विनय, मेरे महंग का पति, मेरी मालकिन का पति, और वो है रघु स्वामी, आश्रम की रानी से जान से ज्यादा प्यार किया है इसने। ये है नारायण, रेखा से इसने बेपनाह प्यार किया था, मगर इंग्लिश ना बोल पाने के कारण इसको रेखा ने छोड़ दिया था, वो भी शादी होने के बाद, क्योंकि रेखा को इंग्लिश बोलने वाला लंदन वाले विजय मित्तल की लाइफस्टाइल वाला लड़का पसंद था। लेकिन जैसे ही उसने कोर्ट का दरवाजा देखा तो उसे इंग्लिश के हाईटेक लव और इंडियन लव की परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ गई। वहाँ आश्रम में वो कृष्णा अपनी रानी से बेपनाह प्यार करता था, और वो भी प्यार करती थी, लेकिन रानी ने भगवान श्री कृष्ण से शादी करने का फैसला कर लिया था, इसलिए कृष्णा का दिल टूट गया। इसी कारण मैं भगवान श्री कृष्ण बनकर आश्रम में गया था, और उसी भगवान के भेष में मैंने उसे सारे के सारे सबक सिखा दिए। मेरे फ्रेंड श्रीकांत की मंगनी जिससे हुई थी, वो लड़की शांति जिसे सिनेमा का बुखार था, वो भी अपनी जिंदगी में फिल्मों के हीरो की तरह अपना जीवन साथी चाहती थी, लेकिन जब हीरो ही विलन भी बन जाता है ये बात उसे पता चली, तब रियल लाइफ और रियल लाइफ का फर्क उसे अच्छी तरह पता चला। इनकी नजर में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं, पति हमेशा पत्नी की बात माने, लेकिन ये पति ऐसा नहीं करता था, इसलिए इस पत्नी ने अपने पति को डिवोर्स दे दिया। इसलिए मैंने इस लड़की को जरूरत से ज्यादा ही सबक सिखा दिया। ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सब से तेरा क्या लेना देना? तूने ये सब क्यों किया? तू तो इनमें से किसी का कुछ नहीं लगता। भैया, समाज में जो बुराइयां हैं उन्हें हटाने के लिए किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। हर बार लोग यही बोलते हैं कि पति खराब है, लेकिन जब पत्नी खराब निकलती है तो सोचिए दोनों की जिंदगी में क्या तूफान आता है। भैया, आप भी तो अपनी शादी करके एक सुखी जीवन बिताना चाहते थे ना, लेकिन आखिर में क्या हुआ? वो भी तो आपको बीच राह में छोड़कर चली गई। आपको तो पता भी नहीं है भैया कि उसके बाद क्या हुआ। सब कुछ हो जाने के बाद मैं गांव अपनी भाभी को मनाने के लिए चला गया। थोड़ी सी लालच की वजह से भाभी ने अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला दी। हालात जब बुरे होते हैं तो इंसान कुछ भी करता है, वो गलत कदम उठाता है जिससे वो बर्बाद हो जाता है। भैया, ऐसा किसी और के साथ ना हो ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक गलत काम सुधारने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े तो कोई पाप नहीं है। ये बात महाभारत में श्री कृष्णा ने बोली थी। श्री कृष्णा प्रभु। देख, अभी किसी औरत से प्यार करता हूँ, तू मेरा गेटम मार के उसको पटा के मुझे दे दे, मेरे लिए तू इतना सा काम कर दे, तू मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। भैया प्लीज प्लीज। सर सर, ये क्या कह रहे हैं सर? मैं नहीं करूंगा। मुझे भी लेडी कांस्टेबल से प्यार है, तू एक काम कर, मेरा गेटम लेकर उसे फंसा ले, फिर मैं करेक्टर में आ जाऊंगा, वो मुझे पसंद करने लगेगी। आपकी तो उम्र भी हो गई है सर। एक बात बताओ, तुमने सबको धोखा दिया वो ठीक है, पर मुझे क्यों धोखा दिया? मैंने लॉ कॉलेज में तुम्हें देखा था, बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनकर घूम रही थी, तो सोचा तुम्हारा गुरूर उतार दिया जाए, इसलिए ये सारा नाटक मैंने खेला। ठीक है, अब अपना सारा नाटक यहीं बंद करो, और अब से हम दोनों अपनी सारी जिंदगी कैसे जिएंगे इसके बारे में सोचो, ठीक है?